दोस्तों कहा है पढ़ाई की जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, कहा है पढ़ाई की जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन जब इसका फल मिलता है तो ये फल इतना मीठा होता है कि इसके आगे हर वो चीज जो मीठी होती है फीकी पड़ जाती है। तो मेरे भाई आपको अभी पढ़ाई कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन जब आपको इसका फल मिलेगा तो इससे बेटर कुछ और नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों को लेकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज से हमारे एक नया चैप्टर, नए यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस यूनिट में हमें पूरा एल्डिहाइड पढ़ना पड़ेगा, पूरा कीटोन पढ़ना पड़ेगा और पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना पड़ेगा। तो आइए इससे थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड पढ़ने से पहले एल्डिहाइड समूह के बारे में जानो। तो मेरे भाई जो एल्डिहाइड समूह होता है वो होता है भाई सिंगल बॉन्ड CH, जो सिंगल बॉन्ड CH जो है ये एल्डिहाइड समूह है। इस एल्डिहाइड का दूसरा नाम जो है वो एल्किनल है। इस एल्डिहाइड का पहले भाई दूसरा नाम क्या है? एल्किनल। तो अगर मैं इस एल्किनल से प्रत्यय निकालूं तो क्या निकलता है? अल। तो इस एल्किनल का जो प्रत्यय है, एल्डिहाइड का जो प्रत्यय है, वो आपका क्या हो जाता है पहले भाई? अल हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को, आगे आपको काम आएगा। और देखो आप इससे एक बॉन्ड जुड़ा, एक बॉन्ड जुड़ा है मतलब इससे एक एल्किल और या एक एरिल समूह जुड़ सकता है। एक बॉन्ड का मतलब यही है, इससे एक एल्किल समूह जुड़ेगा या एक एरिल समूह। बस समझ आई आपको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कीटोन। क्या है? कीटोन बेटा, कीटोन जानने से पहले कीटोन समूह के बारे में जानो। तो कीटोन समूह क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, ये कीटोन समूह होता है। इस कीटोन के अगर प्रत्यय के निकाले तो कीटोन प्रत्यय तो ऑन ही निकल रहा है, तो इस कीटोन का जो प्रत्यय क्या होता है बेटा? ऑन होता है। अब इससे दो बॉन्ड जुड़े, मतलब इससे दो एल्किल या दो एरिल समूह जुड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, पहले कार्बोक्सिलिक समूह पे बात करो। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड सी डबल OH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सी डबल OH। तो इसमें एक बॉन्ड जुड़ा, मतलब इसको एक एल्किल या एक एरिल समूह जुड़ सकता है। बट इसका दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम बेटा इसका क्या होता है? एल्किनोइक। क्या होता है? एल्किनोइक। अगर इससे प्रत्यय निकाले तो बेटा क्या निकलता है? OH। तो इसका प्रत्यय क्या जाता है बेटा? OH। तो ध्यान रखना, ये जो प्रत्यय मैं आपको बता रहा हूँ ये IUPAC नाम में बहुत काम आते हैं, इसलिए इनको याद रखना। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, को लिखना जरूर है, पेन कॉपी लेकर जरूर बैठा करो आप प्यारे भाई। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा एल्डिहाइड को। तो आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, एल्डिहाइड यौगिक। अब क्वेश्चन देखो, हमने ये पढ़ लिया कि एल्डिहाइड समूह तो सिंगल बॉन्ड CH जो होता है, लेकिन एल्डिहाइड यौगिक क्या होता है? एल्डिहाइड समूह सिंगल बॉन्ड CH जो है, तो एल्डिहाइड यौगिक क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो मेरे प्यारे भाई आपको बहुत सस्ते शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में अगर बताऊं तो ऐसे यौगिक जिनके साथ एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है एल्डिहाइड यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनके साथ एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है उन्हें एल्डिहाइड यौगिक कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया एक सबसे छोटा यौगिक जिसका नाम है HCHO। ये एक एल्डिहाइड का सबसे छोटा यौगिक है HCHO, है ना? यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप प्रदर्शित कर सकते हो, और नहीं करना तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सबसे छोटा एल्डिहाइड यौगिक है। इस यौगिक के अगर नाम की बात करें तो इस यौगिक का नाम है HCHO, किसको बोलते हैं बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड को। किसको बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। बट ये इसका साधारण नाम है। कौन सा नाम है बेटा? साधारण नाम है। अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? काउंटिंग, है ना? और एक और बात IUPAC नाम से याद आया, इसकी जो वीडियो है आपको कल मिल गई होगी, जिसमें बहुत सारे मैंने हर टाइप के लगभग IUPAC नाम कवर करा के रखे हैं। तो आपने उसको नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लो, सारे IUPAC नाम आप सीख जाओगे किसी भी यौगिक का, क्यों ना हो जाए। ठीक है, चलो, है ना? तो इसको क्या नाम है? इसका सारा नाम फॉर्मेल्डिहाइड। बट IUPAC नाम निकालें तो काउंटिंग करनी पड़ेगी, और काउंटिंग कार्बन की होती है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक ही कार्बन है।
तो एक कार्बन को क्या चाहिए, क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन लगा देंगे, और सी एच जो प्रत है इसका प्रत क्या होता है अल, तो इस मैथेन में अल जोड़ देंगे तो बन जाएगा मैथनल। मैंने क्या बता बताई, एक कार्बन है इसलिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं तो मैथ में एन लगाया मैथेन, बट सी एच जो प्रत है, सी एच जो समूह है और सी एच जो का प्रत क्या होता है अल, इसलिए मैथिनल बन गया। ये हमारा कार्बनिक यौगिक छोटा वाला। अब इसे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ये हमने बना दिया। अब मैंने बोला ये क्या है, तो आप कुछ को आपको कुछ नहीं पता तो कह देना सर एल्डिहाइड है। क्यों मैं बोलूं, क्यों आप बोलोगे, क्योंकि सी एच जिसमें जुड़ा होता है वो एल्डिहाइड होता है, तो ये एल्डिहाइड होगा क्योंकि इसमें सी एच जुड़ा है। इसका नाम क्या है, बट इसका नाम है मेरे भाई एसीटैल्डिहाइड, एसी और प्रत सी एच लगा है तो अल लगा देंगे, तो ये हो गया बेटा एथिनल। आई होप आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और थोड़ा बढ़ाते हैं। ये हमने लिख दिया CH3, ये हमने लिख दिया CH2, है ना, और ये लिख दिया हमने CH2। आप देखो एक कार्बन से बनाया, दो से बनाया, तीन से। अब कोई बोले इसका नाम क्या है, तो आप बोल देना एल्डिहाइड है। क्यों, क्योंकि CH जो जिसमें जुड़ा है वो एल्डिहाइड। मैंने आपसे बोला कि इसका नाम क्या है, आपको ये नाम नहीं पता तो आप डायरेक्ट एल्डिहाइड बोल सकते हैं, क्योंकि CH जो जिसमें जुड़ा होता है वो एल्डिहाइड होता है, तो ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड और ये। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो यहाँ काउंटिंग करो, एक दो तीन, तीन कार्बन है, इसका नाम क्या है बेटा, तो ये को देखो, ये तो बेटा एथिल है, सारा नाम निकालें, ये तो बेटा क्या है एथिल है और ये क्या है एल्डिहाइड, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं एथिल एल्डिहाइड, एथिल एल्डिहाइड। क्या सर इसको भी और कुछ बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ये क्या है मैथिल और ये क्या है एल्डिहाइड, तो ये मैथिल एल्डिहाइड बोल सकते हैं, ये इनके साधारण नाम है, मेथिल एल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड बोलते हैं, वैसे एस्टेल्डिहाइड ज्यादा बोलते हैं इसलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। तो आईयूपीएसी नाम के लिए तीन कार्बन है, तीन कार्बन को बेटा हम क्या बोलते हैं प्रो, क्या बोलते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड सब में लगा है तो हम एन लगा देंगे तो प्रोपेन, और सी एच ओ क्या है प्रत, सी एच ओ का प्रत क्या है अल, तो ये अल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनल। ऐसे करके हम और भी बड़े बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके अलावा थोड़े से और हमें आईयूपीएसी नाम इसके याद रखने पड़ेंगे, सॉरी साधारण नाम और जो है ना यौगिक कुछ सूत्र याद रखने पड़ेंगे, ऐसा बोलूं तो देखो आप रिंग से बनाते हैं, हमने साधारण वाले कुछ फॉर्मूले बनाए जो आपके लिए जरूरी है याद रखना वो बनाए, इसके बाद हम थोड़े रिंग वाले बनाते हैं, रिंग वाले, ये हमने रिंग जोड़ी, ये हमने क्या जोड़ी बेटा रिंग जोड़ी, और इसके ऊपर हमने जोड़ दिया सी एच, तो ये बेंजीन और ये क्या एल्डिहाइड, तो ये अपना बेंजीन एल्डिहाइड हो गया, वैसे हम इसको बोलेंगे वेंजल्डिहाइड, क्या बोलेंगे बेटा वेंजल्डिहाइड, तो ये हमारा हो गया वेंजल्डिहाइड। बोलो बात समझ में आए, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा इसका साधारण नाम है, क्या है बेटा वेंजल्डिहाइड, क्या है वेंजल्डिहाइड। क्या सर इसका कोई आईयूपीएसी नाम भी होता है, हाँ इसका आईयूपीएसी नाम भी होता है, क्या होता है, तो देखो ये क्या है बेंजीन, तो इसको बेंजीन बोलेंगे, देखो लेकिन इसको क्या बोलते हैं अल बोलते हैं आईयूपीएसी नाम में, तो बेंजीन में अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन में अल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बेंजीनल, क्या बन जाएगा बेटा बेंजीनल, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम बेंजीनल हो गया, ठीक है। अब यहां से मैं एक अच्छी चीज आपको बताने वाला हूँ, उसको आप जरूर ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो ये हो गया, इसके बाद ये मैंने एक रिंग बना दी और रिंग के ऊपर मैंने जोड़ दिया OH, क्या जोड़ दिया OH, और यहाँ पर जोड़ दिया CHO, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, तो ये होता है मेरे भाई सैलिसैल्डिहाइड होता है, क्लियर है बात, ठीक है। ये क्या है सैलिसैल्डिहाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखना इनको, ठीक है। चलो आईयूपीएसी नाम की बात करें तो ये बेंजीन है, वन पे ऑल जुड़ा है और टू पे क्या जुड़ा है अल, तो इसको हम बोल सकते हैं, देखो बेंजीन की काउंटिंग कहां से होती है बेटा, यहां से एक दो तीन चार पांच और छह, ऐसी काउंटिंग होती है, मतलब बेंजीन की काउंटिंग या तो यहां से होगी या यहां से होगी, तो वन पे देखो ऑल जुड़ा है और टू पे क्या जुड़ा है अल जुड़ा है, तो इसको हम आईयूपीएसी नाम में अगर बोले, इसकी वजह से आईयूपीएसी नाम की जरूरत नहीं होती, बेंजीन वन और बेंजीन वन और टू अल, ऐसे आप लिख सकते हो। आई होप मेरे प्यारे भाई ये जो मैं आपको समझाया अभी तक ये पूरी बातें आपके दिमाग में चली गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ,
तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो देखो, आप ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे अभी तक आप, जैसे मान के चलो मैंने एक यौगिक लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मैंने एक कोई भी क्रियात्मक समूह जोड़ दिया OH, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप जानते होंगे। ये मैंने एक बहुत बड़ा एक यौगिक बनाया और इससे मैंने एक क्रियात्मक समूह जोड़ दिया OH, क्या जोड़ दिया, एक क्रियात्मक समूह जोड़ दिया OH। तो आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हो कि जो क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा होता है, दूसरा कार्बन बीटा होता है और तीसरा कार्बन गामा होता है। पहला कार्बन बेटा क्या होता है, अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा क्या होता है बेटा, गामा कार्बन होता है, पता है ना। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। और आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हो कि अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन और गामा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, जानते हो, नहीं जानते तो मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो, बीटा हाइड्रोजन दो, गामा हाइड्रोजन तीन, क्लियर है। गामा अल्फा बीटा गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे जुड़े होंगे वो अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन होंगे, सिंपल है। चलो आ जाओ बेटा, अब ये आपका क्रियात्मक समूह, यहाँ देखना, अब यहाँ समझना एक बार, ये मैंने यहाँ लिख दिया HCHO। अब क्रियात्मक समूह हमारा ये है, ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह। और अभी हमने सीखा है क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा होता है, अब ये क्रियात्मक समूह है, क्या इससे कोई कार्बन जुड़ा, बोलो इससे कोई कार्बन जुड़ा, तो आप बोलोगे सर नहीं जुड़ा। तो इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा तो कह सकते हैं कि इस यौगिक में अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन इस यौगिक में नहीं है। अब अल्फा कार्बन जब नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, बोलो, अल्फा कार्बन है नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो HCHO है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन विहीन, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। ध्यान रखना इस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को, मैं यहाँ पर IMP कर दे रहा हूँ, ये मोस्ट IMP चीज मैंने आपको बता दी है ना, जो एसीटेट सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, क्लियर है बात। चलो अब एक तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ये हो गया, क्या सर इसमें अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है, देखो आप समूह समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये जो जितने भी हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े वो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, बीटा इसमें नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो समूह समूह से जुड़ा पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा कार्बन भी है बीटा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे बीटा हाइड्रोजन भी होंगे, क्लियर है। चलो अब इस पे बात आती है, ये एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। चलो इधर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो ये मेरे पास एक यौगिक है, ये मेरे पास यौगिक है जो आपका बेंजीन है। अब आपको ये तो पता है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन सॉरी प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कॉर्नर पे बेटा एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आप ये जानते हो। लेकिन मुझे ये बताओ, लेकिन मुझे आप इतना बताना कि मैंने ऊपर जोड़ दिया CHO, क्या ऊपर ऐसे ही CHO जुड़ गया, नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं जुड़ता। जब तक आप यहां का H ओपन नहीं करोगे तब तक इससे आकर कोई जुड़ नहीं सकता। तो जब आप जब इससे CHO जुड़ा तो ये जो H है वो बाहर निकल गया, जब इससे CHO जुड़ा तो H कहां निकल गया, वहां निकल गया, जब H बाहर निकल गया तो यहां कौन जुड़ गया, CHO। मतलब मैंने आपको इसका ये वास्तविक रूप देख के दिखाया है, जो आपको बंद संरचना एक कंकाली संरचना में दिख रहा है ये वास्तविक रूप इसका ऐसा है। तो आप देखो ये रहा आपका समूह, इस समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, मतलब ये अल्फा कार्बन तो है, ये आपको दिख रहा है ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि वो तो बाहर निकल गया।
अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया। तो कह सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है बेंजाल्डिहाइड ये भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन विहीन एल्डिहाइड है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। अगर इस यूनिट को स्टार्ट हमें करना है तो बेसिक जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो ये हमारा एल्डिहाइड ये होगी आपको समझाया मैंने। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब हम आ जाते हैं कीटोन पर। तो बारी है हमारे कीटोन की। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे आप कीटोन यौगिक। क्या डाल लेंगे बेटा? कीटोन यौगिक। कीटोन यौगिक। तो क्वेश्चन है हमारा कीटोन यौगिक क्या है? क्वेश्चन है हमारा कीटोन यौगिक क्या है? सुनो, तो ऐसे यौगिक जिनमें कीटोन समूह जुड़ा हो, ऐसे यौगिक जिनमें कीटोन समूह जुड़ा हो वो कीटोन यौगिक होंगे। देखो आओ यहां पर हम सूत्र लिखेंगे। देखो सबसे छोटे अगर मैं कीटोन यौगिक की बात करूं तो बेटा सबसे छोटा जो कीटोन यौगिक है वो है एसीटोन। ये आपका जो दिख रहा है ये क्या है बेटा? एसीटोन है। क्या है ये? एसीटोन है। तो सबसे छोटा कीटोन यौगिक क्या है बेटा? एसीटोन है। ये मैंने नाम लिखा है और यहाँ पर मैं लिखूंगा IUPAC नाम। यहाँ पर IUPAC नाम। तो यहाँ पर बेटा मैं क्या लिखूंगा? IUPAC नाम। IUPAC नाम। तो देखो इसमें कितने कार्बन है? एक। काउंटिंग आगे से पीछे से कहीं से भी कर सकते हैं। तीन कार्बन है। तो तीन कार्बन को बेटा हम क्या बोलते हैं? प्रो। सिंगल लगा है एन लगा देंगे ठीक है। बट CO का प्रत्यय क्या है बेटा? ऑन। तो प्रोपेन में ऑन लगाएंगे तो ये प्रोपेनॉन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेनॉन। ये सबसे छोटा कीटोन यौगिक है जो आपको याद रखना है। तो पहला कीटोन यौगिक आपको यही रखना है और इसके अलावा कुछ नहीं रखना है। और दूसरा हमें कीटोन यौगिक याद रखना है रिंग के ऊपर COCH3। इसका नाम, इसके नाम दो हैं। देखो एक तो है इसका नाम एसीटोफिनोल। एसीटोफिनोल एक इसका नाम क्या है बेटा? एसीटोफिनोल है। और दूसरा इसका नाम है एनिसोल। क्या है? एनिसोल। एनिसोल या एसीटोफिनोल इसका नाम है। ये आप IUPAC नाम भी समझ सकते हैं या साधारण नाम भी समझ सकते हैं। आपको ये याद रखना है। याद देखो आपको पता है ये जो इतना है इतने को हम क्या बोलते हैं? एसीटो। और ये फिनोल है, सॉरी एसीटो। और ये फेनल बोलते हैं, बेंजीन या फेनल या एरिल बोलते हैं ना, फेनल भी तो बोलते हैं। तो ये एसीटो और जब IUPAC नाम में गया तो फेनल फिनोन बन गया। तो एसीटो फिनोन या एनिसोल इसका ये नाम है। तो कीटोन से संबंधित हमें दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं ठीक है। समझ में आपको बहुत अच्छे से आए होंगी बातें। तो फ्रेंड्स अभी हमने एल्डिहाइड यौगिक और कार्बोनल यौगिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इनके फॉर्मूले पढ़ लिए ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जो फॉर्मूले हैं अभी आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। और अब हम जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने की सीरीज में अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से एक ये उठता है कि कार्बोनिल यौगिक क्या है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से आगे बढ़ के ये उठता है कि कार्बोनिल यौगिक क्या है। तो मेरे भाई आपको साफ साफ बता देते हैं, अभी हमने एल्डिहाइड यौगिक पढ़ा, अभी हमने कीटोन यौगिक पढ़ा। तो जो एल्डिहाइड और जो कीटोन यौगिक होते हैं इनका ही जो सम्मिलित रूप होता है, एल्डिहाइड यौगिक और जो कीटोन होते हैं इनको ही हम कार्बोनिल कहते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कहते हैं। तो ध्यान रखना एल्डिहाइड एवं कीटोन यौगिक जो होते हैं वो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, ध्यान रखना इस बात को ठीक है। तो हमने बोला कि भाई एल्डिहाइड बनाओ तो आप एल्डिहाइड बना दोगे है ना, हमने बोला आप कार्बोनिल बनाओ तो कार्बोनिल, हमने अगर बोला कि आप कार्बोनिल बनाओ तो एल्डिहाइड या कीटोन में से आप कुछ भी बना सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला कार्बोनिल बनाओ तो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से आप कुछ भी बना सकते हो। तो अगली हेडिंग अपनी यही बन रही है कि कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां, मतलब हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियों का मतलब क्या होता है? आपको एल्डिहाइड और कीटोन यौगिक बनाना है क्योंकि कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन ही होता है ठीक है। तो बनाने की विधियों की सीरीज में
अगर हम देखें पहली हेडिंग कि भाई कार्बोनिल यौगिक बनाना है, बट किससे बनाना है कार्बोनिल यौगिक, तो वो हम आपको बताते हैं। तो पहली हेडिंग आप बहुत अच्छे से डाल दो, एल्कोहल से, है ना, एल्कोहल से। मतलब आपको क्या करना है बेटा, एल्कोहल से आपको कार्बोनिल बनाना है, एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, कार्बोनिल बनाना है। और अच्छे से मैं इस हेडिंग को बना देता हूँ, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपको क्या बनाना बेटा, कार्बोनिल बनाना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से। जब हमने देखो एल्कोहल हम आपको पढ़ा रहे थे, और एल्कोहल पढ़ाने की सीरीज में हमने एल्कोहल के परीक्षण की विधियां पढ़ाई थी, ऑक्सीकरण विधि पढ़ाई थी ना, और एल्कोहल के ऑक्सीकरण जब हमने कराया था तो एल्डिहाइड और कीटोन ही तो बना था उसमें, तो वो तो सिंपल है, फिर एल्डिहाइड का और एल्डिहाइड और कीटोन बना था कि नहीं जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया था, तो बिल्कुल हमें वही करना है, एल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण कराना है और कार्बोनिल बनाना, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी बनाना, ठीक है। तो आओ जरा समझते हैं, तो हमने यहाँ पर एक एल्कोहल ले लिया जिसका नाम है एथिल एल्कोहल, कौन सा नाम बेटा, देखो ये आपको पता एथिल होता है और ये एल्कोहल है, तो ये हमने ले लिया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ये ले लिया। अब हम आपसे बोल रहे हैं एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओ, ऑक्सीकरण कराने का मतलब बेटा क्या होता है, आप जानते हो ना, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीकरण कराना मतलब क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया, ये नवजात ऑक्सीजन से क्रिया है। बट आप मेरे प्यारे भाई ऑक्सीकरण किसके द्वारा कराओगे, K2Cl2O7 मतलब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपका K2Cl2O7 क्या होता है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये अम्लीय होना चाहिए, अम्लीय प्रकृति का वैसे ज्यादा होता है इसलिए इसको बोलने लगते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब बेटा हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ ही बनाएंगे, तो देखो पहले हम सोचें एल्डिहाइड बनाएं, अगर हम क्या सोचें एल्डिहाइड बनाएं, तो क्या इससे एल्डिहाइड बन सकता है, इसका क्या हो, कैसे क्या हो कि इससे एल्डिहाइड बन जाए, तो आप सोचो, ये थोड़ा सोचो कि क्या करें इसका कि एल्डिहाइड बन जाए, ऑक्सीकरण कराना है, तो आप सोचेंगे अगर, तो आपको यहां से दिख रहा होगा H2O, तो इस H2O को आप क्या कर दो, बाहर कर दो, H2O को हमने क्या कर दिया बेटा, बाहर कर दिया। अब जैसे ही हमने H2O को बाहर किया तो हमारे पास देखो क्या दिख रहा है, यहाँ CH3, यहाँ क्या दिख रहा है C, यहाँ क्या दिख रहा है A और यहाँ क्या दिख रहा है O, तो ये अपना डायरेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं करना CHO बन गया, CH3CHO जो आपका क्या है, एसीटैल्डिहाइड, क्या है बेटा, एसीटैल्डिहाइड, और एसीटैल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल है, मतलब यहाँ से हमारा कार्बोनिल बन गया। लेकिन ये तो एल्डिहाइड बना सकते, कीटोन वाला ही बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी हमने ये देखो एथिल एल्कोहल मतलब प्राथमिक एल्कोहल लिया है, अगर आपको कीटोन बनाना है तो आपको द्वितीय एल्कोहल लेना पड़ेगा, कौन सा एल्कोहल बेटा, द्वितीय एल्कोहल लेना पड़ेगा। सर ये क्या मुझे चीज होती है, क्या होता है, तो देखो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्राथमिक एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल सारा कुछ सीरीज वाइज चल रहा है। अगर आप मेरी जो वीडियो है आप कंटिन्यू देख रहे हो गोए तो आपको सारी चीजें पता होंगी, प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीय एल्कोहल क्या है, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो द्वितीय एल्कोहल क्या होता है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर CH3 होता है, मतलब आपका द्वितीय एल्कोहल, ये आपका द्वितीय एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, द्वितीय एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल। तो द्वितीय एल्कोहल वो होता है बेटा जिससे OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे दो एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए, तो देखो OH इस कार्बन से जुड़ा है और इससे दो एल्किल समूह जुड़े हैं, एक ये और एक ये, इसलिए द्वितीय एल्कोहल है, और देखो इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा इससे एक एल्किल समूह जुड़ा तो वो प्राथमिक है, और अगर तीन एल्किल समूह जुड़े होते तो तृतीय एल्कोहल होता, ठीक है। तो इसका आपको क्या कराना बेटा, ऑक्सीकरण कराना है, और ऑक्सीकरण सेम कराना है पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, मतलब K2Cl2O7 द्वारा। तो जब बेटा इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो इसमें भी हमें साफ साफ दिख रहा है, ये निकल गया क्या, H2O, क्या निकल गया, H2O। अब हमने एल्डिहाइड तो बना दिया, हमें कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल है, देखो ये क्या है CH3, ये लिख दिया हमने CH3, ये क्या है C, ये क्या है O, तो ये C और ये O क्या बनाया इसने, CO बनाया, और ये CH3 यहाँ लिख दो,
बोलो बात समझ में आई। तो ये आपका बन गया है एसीटोन। क्या बन गया बेटा? एसीटोन। और हमने देखा था एसीटोन कीटोन होता है। कीटोन वो होता है जिसमें ये वाला समूह हो, एल्डिहाइड वो होता है जिसमें ये वाला समूह हो, है ना। तो इसमें सीओ है, मतलब ये क्या है? कीटोन है। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमने क्या बना लिया बेटा? कीटोन बना लिया। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे। तो अगर आप क्रम से वीडियो हमारी देख रहे हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आप नहीं देख रहे हो, रेगुलर नहीं हो, तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। मैं क्या, कोई और भी पढ़ाएगा आपको, तो अगर आप क्रम से नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ही केमिस्ट्री है कि आपको समझ में नहीं आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान होती है फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला अलग से, वैसे मैंने पढ़ा दिए लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाना, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले आपको रटवा दूंगा, ठीक है। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमने क्या बनाया बेटा? कार्बोनिल बना लिया। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। अगली मेथड द्वारा हम कराते हैं, बनाते हैं कार्बोनिल, ठीक है। चलो एक एक स्टेप को आप ध्यान से सुनते जाना और बहुत अच्छे से बनाते जाना। तो दूसरी हेडिंग है मेरे भाई हमारी एल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण से, बी हाइड्रोजनीकरण से। एल्कोहल का हमें क्या कराना बेटा? बी हाइड्रोजनीकरण कराना है। एल्कोहल का बेटा हमें क्या कराना? बी हाइड्रोजनीकरण। और क्या बनाना है हमें? कार्बोनिल बनाना है। क्या बनाना है बेटा हमें? कार्बोनिल। अब यहाँ पर देखो, बी को छोड़ दो, अभी इस बी को छोड़ दो। इस हाइड्रोजनीकरण का मतलब जानते हो? इस हाइड्रोजनीकरण का मतलब प्यारे भाई क्या होता है? हाइड्रोजन से क्रिया कराना। इस जो हाइड्रोजनीकरण है इसका मतलब तो होता है हाइड्रोजन से क्रिया कराना, लेकिन जब इसके आगे बी जुड़ गया तो इसका सीधा साधा जो है मतलब ये हो गया, अब हाइड्रोजन से क्रिया कराना नहीं रहा, अब इसका मतलब यह है हाइड्रोजन को बाहर निकालना। जैसे ही बी जुड़ गया तो इसका मतलब भी परिवर्तित हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराना, लेकिन जब बी जुड़ गया मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना, मतलब एल्कोहल से आपको हाइड्रोजन बाहर निकालना है और एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। देखो हमने यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल ले लिया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH, जो हमारा है एथिल एल्कोहल। कौन सा है बेटा? एथिल एल्कोहल। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको क्या करना? बी हाइड्रोजनीकरण कराना। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बी हाइड्रोजनीकरण के लिए बेटा हमें क्या करना है, जो एल्कोहल है इसको कॉपर नली में प्रवाहित करना है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बी हाइड्रोजनीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एल्कोहल को कॉपर नली में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही हम इसको 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसमें प्रवाहित करेंगे तो यहाँ आपको दिख रही होगी हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रही है ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, और जब हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी मतलब ये हाइड्रोजनीकरण हो गया। क्या फिर बना कुछ? बिल्कुल। आप देखो, आप ये क्या है? CH3। क्या है बेटा? CH3। ये क्या है? सी। इधर क्या है? एच। इधर क्या है? ओ। तो इसको क्रम से लिख दो, तरीके से लिख दोगे तो कुछ बन जाएगा, और अगर तरीका बिगाड़ दोगे तो कुछ नहीं बना। देखो अगर आपने तरीका बिगाड़ दिया, सी लिख दिया और फिर ओ लिख दिया और फिर एच लिख दिया, तो बताओ ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, ठीक है। इसलिए इसको तरीके से लिखना, सी लिख दिया, फिर आप एच लिख दिया और फिर आपने ओ लिख दिया, जो आपका क्या बन गया बेटा? एसीटैल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एसीटैल्डिहाइड। और ये जो आपका एसीटैल्डिहाइड बना है ये एक एल्डिहाइड है, सी जो है ना इसमें, तो ये एल्डिहाइड बन गया, मतलब कार्बोनिल बन गया। क्या इससे कीटोन भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? आपको द्वितीय एल्कोहल लेना पड़ेगा, CH3 और ये OH, ये हमने द्वितीय एल्कोहल ले लिया। कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं सर। इसको भी आपको सेम करना है कॉपर नली में, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करना। तो इसमें भी हाइड्रोजन बाहर निकले क्योंकि बी हाइड्रोजनीकरण है ना। तो देखो आप, एक एच ये और एक एच ये दोनों एच क्या बना लेंगे बेटा? H2 हो जाएगा बाहर। अब हमारे पास क्या बचा? CH3। ये रहा CH3, ये क्या है? C। और यहाँ क्या बचा? O। तो ये रहा CO, और ये नीचे CH3 जो है इसको यहाँ लिख दो, जो आपका क्या होगा? एसीटोन होगा। क्या होगा बेटा? एसीटोन। और एसीटोन हमारा कीटोन होता है,
बोलो बने कि नहीं? बिल्कुल आप बना सकते हो। ऐसे आप करोगे प्रैक्टिस धीरे धीरे तो सारी चीजें बनेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई हवा हुआ नहीं है कि जो आपसे ना बने, बट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहचान तो बस तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे और क्रम से आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। इतना ईजी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज कहाँ से क्या गया, कहाँ से आया, कहाँ से गया, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ध्यान रखना अल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण से बना दिया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया करने वाले हैं जो आपके पेपर में छपेगी, उसको आप हेडिंग डालिएगा, हेडिंग बनाइएगा, ये कार्बोनिल की अभिक्रिया है, उसको आप हेडिंग जमा लेना, ठीक है? तो वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है मेरे प्यारे भाई, वो है रोजन मुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? रोजन मुंड अभिक्रिया, रोजन मुंड अभिक्रिया। पहले मैं इस, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया, पहले तो आप मोस्ट आईएमपीएस अभिक्रिया को डाल दें, ठीक है? अब इसका मैं जो है ना, जो भी इसमें होता है उसका वो बेसिक मैं जमाऊंगा आपको, ठीक है? चलो इधर देखो पहले ध्यान से बेटा, जो रोजन मुंड अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड? एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड क्या होता है बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH, ये अपना होता है एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है बेटा? एसिटिल क्लोराइड, है ना? क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। तो हमें रोजन मुंड अभिक्रिया में क्या करना होता है, जो एसिटिल क्लोराइड है, ये इस एसिटिल क्लोराइड को हम जाइलीन विलयन में लेते हैं। कौन से विलयन में? जाइलीन। जैसे नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, है ना, ये होते हैं ना, सब्जी बना दो वो विलयन, चाय बना दो वो विलयन, ऐसा होता है ना, ऐसी एक पदार्थ होता है जाइलीन। क्या होता है पदार्थ बेटा? जाइलीन। तो इसको हमें क्या करना होता है, जो एसिटिल क्लोराइड है इसको जाइलीन विलयन में लेना पड़ेगा। इसमें ले लिया हमने, और जाइलीन विलयन में लेकर हम पैलेडियम युक्त, पैलेडियम पीडी, पैलेडियम होता है ना, पैलेडियम युक्त है बेरियम सल्फेट BASO4। बेरियम सल्फेट क्या होता है बेटा? BASO4, है ना। पैलेडियम क्या होता है? पीडी होता है। तो हम एसिटिल क्लोराइड को जाइलीन विलयन में लेंगे और जाइलीन विलयन में लेकर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे? हाइड्रोजन। तो भाई साहब जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वो आप देखो। तो देखो आपको पता है एच पे होता है प्लस, आपको पता है ना प्लस माइनस वाले बाहर होते हैं, तो आपको पता है एच पे होता है प्लस, तो एक एच क्या करेगा बेटा, एक सीएल को बाहर कर देगा और यहाँ से हमारा बन जाएगा एच सीएल। क्या बन जाएगा बेटा? एक एच एक सीएल को बाहर करके एच सीएल बना लेगा, और आगे क्या होगा बेटा, एच सीएल तो बन गया, अब एक एच जो बचा है वो यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा। जब यहाँ जुड़ जाएगा तो आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा CH3, जब ये C यहाँ कौन आके जुड़ा, एक H, तो ये C H और ये रहा आपका O, तो ये C यहाँ से आया H और ये रहा O, जो आपका बन गया है क्या, एसिटैल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? एसिटैल्डिहाइड। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो रोजन मुंड अभिक्रिया में बेटा क्या बनता है? एसिटैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसिटैल्डिहाइड बनता है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो रोजन मुंड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड को, किसको? एसिटिल क्लोराइड को, एसिटिल क्लोराइड को जाइलीन विलयन में लेना, और जाइलीन विलयन में लेकर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना है, ठीक है। तो एक एच एक सी एल को एच सी एल के रूप में बाहर कर देगा, एक एच यहाँ बीच में जुड़ जाएगा, तो सी एच थ्री सी एच ओ। आप बनाना सीखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप से आप बनाना सीखो, और जब बनाना सीखोगे तो रिएक्शन आपको आसान लगेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम में आने वाली, ठीक है। चलो, क्या इसको दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं? हाँ, आप यदि एसिटिल क्लोराइड ना लो तो दूसरी अभिक्रिया भी आप बना सकते हो। क्या? इसमें आप बेंजोइल क्लोराइड ले सकते हो, C6H5COCl, ये आपके पास बेटा है बेंजोइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड है बेटा? बेंजोइल क्लोराइड, ये रहा आपका बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी सेम होगी, इसको भी हमें क्या करना, देखो अभी हमने एल्किल वाला यौगिक लिया और ये हमने बेंजीन वाला यौगिक ले लिया। कौन सा यौगिक ले लिया बेटा? बेंजीन वाला यौगिक लिया C6H5। ऐसा भी कर सकते हैं,
है ना, जब CH3 होगा तो एसिटिल क्लोराइड और जब C6H5 होगा तो वैनिल क्लोराइड। इसको भी हमें क्या करना है बेटा, इसको भी हमें जाइलीन विलयन में लेना, और जाइलीन विलयन में लेकर इस पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसमें भी बेटा हमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना। सेम सेम कहानी है, वही कहानी इधर होगी, जो ऊपर हुई वही कहानी होगी इधर। तो एक एच एक सी एल के साथ बेटा क्या बनाएगा, एच सी एल, क्या बनाएगा, एच सी एल, और एक जो है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ये C6H5 और ये रहा हमारा CHO। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं कितनी बार कहूँ, बहुत बार मैं कह चुका हूँ और बार बार अभी एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फॉर्मूला आपको आता है तो ही बनेगी। फॉर्मूले की जो आपको वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप फिर से आप बनवाना चाहते हो वीडियो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो बस, ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है ना प्यारे भाई। तो बोलो समझ में आई, तो जल्दी से बोलो हाँ समझ में आई, ठीक है। तो ये बन चुका है बेंजल्डिहाइड, क्या बन गया बेटा, बेंजल्डिहाइड। बोलो बात समझ में आई आपको प्यारे बच्चों, आई ना, ठीक है ना, एक बार कमेंट करो, है ना, कमेंट करो और कमेंट में बताओ सर बहुत अच्छे से हमें ये बात समझ में आई। तो रोजनमुंडा अभिक्रिया या तो एसिटिल क्लोराइड देगा या बेंजोइल क्लोराइड देगा, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना जरा एक मिनट। इसकी थ्योरी के लिए भी आप तैयार रहो, थ्योरी आप इससे ही बनाते हो, तो थ्योरी कैसे लिखना पड़ेगा बेटा, बोलो बोलो बच्चों थ्योरी कैसे लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनना, अम्ल क्लोराइड ब्रैकेट में क्या लिखना, अम्ल, देखो पहले लिखना आप अम्ल क्लोराइड, ब्रैकेट में लिखना एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड। तो अम्ल क्लोराइड दोनों ये अम्ल क्लोराइड कहलाते हैं, तो अम्ल क्लोराइड को जाइलीन विलयन में लेना, कौन से विलयन में लेना बेटा, जाइलीन। तो अम्ल क्लोराइड को जाइलीन विलयन में लेकर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर जो एसिटिल क्लोराइड है वो एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है, या बेंजोइल क्लोराइड बेंजाल्डिहाइड में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, ये इसकी थ्योरी। बोलो बात बहुत बेहतरीन तरीके से जमी आपको, मजा आया, बिल्कुल प्यारे भाई मजा आना ही चाहिए, ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपनी हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट अपनी एक कॉपी में हेडिंग जमाएंगे जिसका नाम है प्यारे भाई स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, है ना, ठीक है भाई। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें जो नाम है पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, है ना, कैसे कैसे नाम होते हैं, अजीब टाइप के नाम है इसमें, ठीक है। तो ये स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, नाम बहुत अजीब लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, तो आपको तो लगने चाहिए भाई, है ना, आपको तो लगने चाहिए और आपको भी लगते ही होंगे, है ना। चलो तो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हमारी स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, ये भी आप इसको भी मोस्ट IMP जमाइएगा, ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ये ऐसी रिएक्शन है मेरे भाई कि ये नाम से पेपर में आती है, नाम से पेपर में आती है कि भाई रोजनमुंड अभिक्रिया लिखो या स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया लिखो, और इम्पोर्टेंट यही है कि ये नाम से आती है, और कभी कभी क्या होता है मैं भी पूछ ले आती हैं, तो क्या होता वाले क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, बस मुझसे जुड़े रहना है, मुझ पर विश्वास रखना, मैं आपकी 100% तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया में हमें क्या करना है बेटा, तो बेटा ये जो स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया है, ये देखो आप दिख रहा है ना अपचयन, क्या दिख रहा है आपको, अपचयन दिख रहा है, मतलब इसमें अपचयन तो कराते हैं, अपचयन तो इसमें हम कराएंगे, अपचयन कराते भी हैं, लेकिन अपचयन किसके द्वारा कराते हैं, कैसे कराते हैं, किसका कराते हैं, क्वेश्चन तो ये होता है। तो मेरा प्यारे भाई जो स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया है, इसमें अपचयन हम कराते हैं एल्किल साइनाइड का, ये एल्किल साइनाइड है, और एल्किल साइनाइड में इसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड, क्या है बेटा, मेथिल साइनाइड, ये मेथिल और ये साइनाइड, ठीक है, मेथिल साइनाइड, ठीक है, या फिर बेंजीन साइनाइड, बेंजीन साइनाइड क्या होता है, C6H5Cl, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप रिंग बना दो और रिंग के ऊपर क्या लिख दो, CN, ये तो होता है बेंजीन साइनाइड, या इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, तो ये आपका मेथिल साइनाइड या बेंजीन साइनाइड, ये बेंजीन और ये रहा आपका साइनाइड, ये रहा आपका साइनाइड। तो स्टीफेंस जो अपचयन अभिक्रिया होती है, इसमें मेथिल साइनाइड या बेंजीन साइनाइड का अपचयन कराएंगे, क्या कराएंगे, अपचयन।
अब सर अपचयन कराएंगे तो अपचयन तो नवजात हाइड्रोजन से होता है, तो बिल्कुल नवजात हाइड्रोजन से ही होगा अपचयन, कोई दिक्कत नहीं है। बट किसके द्वारा कराएंगे तो वो बात एक इम्पोर्टेंट है। इसमें जो प्यारे भाई अपचयन होता है वो हम टिन क्लोराइड SN10 होता है ना, टिन क्लोराइड और HCl द्वारा कराते हैं। किसके द्वारा कराते हैं? टिन क्लोराइड और HCl द्वारा कराते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो भाई अपचयन तो किसी के द्वारा करा लो, लेकिन अपचयन के लिए H ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? H। तो भाई समझ में आपको आ रही होगी, ध्यान से सुनना, आपको समझना है, ठीक है, और आपको आगे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। 100% तैयारी करना है अपन को, कंप्लीट तैयारी करना है। एग्जाम के लिए समय बचा है बहुत कम, और ऐसे में हमें तैयारी करनी है बहुत अच्छी। हमें नंबर प्राप्त करने हैं 90+ वाले, ठीक है, 90+ वाले नंबर हमें प्राप्त करने, ठीक है। तो भाई एल्किल साइनाइड या बेंजीन साइनाइड का अपचयन कराएंगे, टिन क्लोराइड और HCl द्वारा कराएंगे, तो इसमें सर बनेगा क्या, इसमें सर बनेगा क्या, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो भाई आपको समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में, ये हम देखो डली है हेडिंग कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। तो कार्बोनिल यौगिक बनाना, तो सर कार्बोनिल यौगिक में तो CHO होता है या O होता है, तो यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है कि CHO बन जाए, क्योंकि CHO बनाना है तो O चाहिए, तो O तो यहाँ दिख ही नहीं रहा और ना ही O यहाँ दिख रहा है, और यहाँ हेडिंग डली है कार्बोनिल बनाओ, कार्बोनिल बनाओ मतलब ये वाला यौगिक बनाओ या इसके वाला यौगिक बनाओ, तो यहाँ तो हमें कोई कंडीशन नहीं दिख रही साहब, बिल्कुल नहीं दिख रही है कंडीशन, मुझे भी लग रहा है नहीं दिख रही है। बट ऐसी कंडीशन में बेटा जब हम डायरेक्ट किसी चीज़ को नहीं बनाते हैं, बना पाते हैं, तो उसके लिए हम एक मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। कौन सा यौगिक बनाते हैं? एक मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। सर वो क्या होता है, आओ बता देते हैं। इसके आप बेटा 2H लो, कितने H लो बेटा, 2H लो आप इसके, ठीक है। जब आप 2H लोगे तो एक H दे देना C को और एक दे देना N को, ठीक है। तो देखो आप, ये रहा CH3, एक दिया हमने C को तो ये CH बना, एक दिया हमने N को तो ये NH बना। बट बैलेंसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ध्यान रखा जाता है। बैलेंसी का मतलब ये जो सब बैलेंस रहने चाहिए ऑक्सीजन, संतुलित नहीं करना वो एक अलग बात है, संतुलित करना एक अलग बात है, और ये वाली बैलेंसिंग अलग बात है। अब हम देख रहे हैं कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है, बट यहाँ देखो कितनी हो रही है, एक बॉन्ड इधर लगा, एक बॉन्ड इधर लगा, 2 और एक एच के द्वारा 3 ही हो रही है। इस एन की 3 होती है तो एक एच लगा, एक बॉन्ड लगा, 3 ही हो रही है, तो 2 ही हो रही है। और नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 4, तो ऐसे में नहीं हो रही, तो हमें यहाँ डबल बॉन्ड लगाना। अब डबल बॉन्ड लगा दिया तो कार्बन की भी 4 हो गई, नाइट्रोजन की भी 3 हो गई। अब क्या हमारा बन जाएगा सर? बिल्कुल बन सकता है, बन जाएगा वो नहीं कह सकता, बट बन सकता है। अपन कोशिश करेंगे ना, साथ में मिलेंगे, आप भी दिमाग चलाओ और मैं भी दिमाग चला रहा हूं, तो भाई जरूर बनेगा फिर, ठीक है। तो हमें ओ और चाहिए, देखो हमारा CH3CH तो आ गया, अगर हमारे पास ओ और आ जाए, क्या जाए प्यारे भाई, ओ आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, और इसको भी बाहर निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में पहले भाई आप एक काम कर सकते हो, क्या आप जल अपघटन करा सकते हो, क्या करा सकते हो, जल अपघटन। अब ये जल अपघटन कैसे होता है सर, कैसे कराते हैं? तो बेटा जल अपघटन का मतलब होता है जल से क्रिया कराना। जल अपघटन का मतलब क्या होता है? जल से क्रिया कराना। जब भी बात आए जल अपघटन की, या जब भी बात आए कि आपको ओ चाहिए, क्या चाहिए, ओ, तो आप ओ चाहिए मतलब आप जल से क्रिया करा सकते हो, है ना, ओ चाहिए एच चाहिए तो आप जल से क्रिया करा सकते हो। तो जैसे ही हमने इसका जल अपघटन कराया तो ये जो यौगिक है वो यहाँ से टूट जाएगा। जब यहाँ से टूटेगा तो देखो आपको पता है इसमें 2H है और एक O है, तो इसको आप दे दो O, इसको, इस पूरे को आपने O दे दिया, और जो H2 बचा है वो आप इसको दे दोगे, वो आप दे दोगे इसको। तो देखो जब आपने ऐसा किया तो ये CH3CHO बन गया, ये आपका CH3CHO बन गया, और जब H2 आपने इसको दिया तो ये आपका, ये बन गया आपका NH3, क्या बन गया, NH3। तो ये बन गया है एसिटाल्डिहाइड, जो एक कार्बोनिल यौगिक है, जो एक आपका क्या है, कार्बोनिल यौगिक है, और कार्बोनिल यौगिक तो हम बना ही रहे, और स्टीफन अपचयन अभिक्रिया में भी कार्बोनिल यौगिक बनता है। बट ये अभिक्रिया आपको थोड़ा सा लगी होगी कि भाई ये क्या है ना। तो भाई ऐसी कंडीशन होती है स्टीफन अपचयन अभिक्रिया में, आपको याद रखना है कि एसिटाल्डिहाइड बनाती है, बट एक स्टेप में तो बनेगा नहीं, अपचयन इसमें हम कराते हैं। तो पहले हमने 2H लिए, एक C को दिया, एक N को दिया, एक मध्यवर्ती यौगिक बना, फिर इसका हमने जल अपघटन कराया तो O इसको दे दिया, H2 इसको दे दिया, बन गया एसिटाल्डिहाइड।
ठीक है, सेम कहानी यहाँ कर देंगे, इसके भी हम दो लेंगे, एक दे देंगे सी को, एक दे देंगे एन को, तो ये सी सिक्स एच फाइव और ये सी एच डबल बॉन्ड एन एच, बीच में बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। फिर हम इसका कराएंगे जल अपघटन, क्या कराएंगे जल अपघटन, जल अपघटन कराएंगे तो इसको यहाँ से तोड़ देंगे, ओ दे देंगे इसको, एच टू दे देंगे इसको, अगर इसको दे देंगे तो ये सी सिक्स एच फाइव और ये सी एच ओ जो आपका है बेंजल्डिहाइड, क्या है बेटा बेंजल्डिहाइड, और ये जो बेंजल्डिहाइड है ये बेंजल्डिहाइड भी आपका कार्बोनिल यौगिक है जो आपका बन गया, और इसमें से बाहर क्या निकला दो इसको दिए तो एन एच थ्री अपना बाहर हो गया। बोलो बात समझ में आई, ये हमारी स्ट्रिक्ट है तत्व अभिक्रिया की कहानी होती है खत्म। समझ में आया तो एक बार सुन लो ध्यान से, इस अभिक्रिया में क्या करना है वो सुन लो, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं जो आपका एल्किल साइनाइड होता है या एरिल साइनाइड, एल्किल मतलब मेथिल एथिल और एरिल मतलब बेंजीन, तो इस अभिक्रिया में एल्किल या एरिल साइनाइड का टिन क्लोराइड और HCl द्वारा अपचयन करवाते हैं, थ्योरी बता रहा हूँ, इस अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड का टिन क्लोराइड और HCl द्वारा अपचयन करवाते हैं जिससे एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन करवाने पर एल्डिहाइड यौगिक प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को हम स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। भाई अभी जो है ना हम जो कार्बोनिल यौगिक है उसको बना रहे थे, मतलब कार्बोनिल यौगिक कैसे कैसे करके हम बना रहे थे, इसमें हमने दो एक इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ पढ़ी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, जैसे हमारी कौन सी अभिक्रिया हुई, रोजनमुंड अभिक्रिया हुई है ना, स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया हुई, ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। अब हम जो है कार्बोनिल यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाओं पे पहुंचेंगे, मतलब इसमें जो है ना कार्बोनिल यौगिक की किसी अन्य यौगिक के साथ क्रिया होगी, कार्बोनिल यौगिक जो जैसे एस्टेल्डिहाइड या जो कीटोन होते हैं इनकी किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया होगी, और अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया की सीरीज में हमारी एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया फिर बन जाती है जिसका नाम है जो बेटा मोस्ट है, ये भी मोस्ट आईएमपी है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ठीक है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अभी हमने रोजनमुंड पढ़ी थी और ये एल्डोल है ना, थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, नाम थोड़ा अजीब सा है, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम अजीब ही है, उसमें हम क्या कर सकते हो तुम क्या कर सकते हो, हमें तो पढ़ना पड़ेगी, अजीब हो या कैसे भी हो ठीक है आ जाओ। देखिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया में, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होता है, मैंने आपको ये दोनों बताए थे जब मैं आपको फॉर्मूले पढ़ा रहा था, और फॉर्मूले में बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड क्या होता है, ये सब बातें बताई थी आपको मैंने, ठीक है अभी फिर से बता दे रहा हूँ मेरे भाई, ये जो HCHO दिख रहा है जिसका नाम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, अब देखो ये जो है अल्फा बीटा गामा कार्बन आप जानते हो ना, अल्फा बीटा गामा कार्बन आप जानते हो, चलो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ये लिखा मैंने, देखो ये जो आपका कोई भी क्रियात्मक समूह होता है, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा होता है, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा, ये आप जानते हो, तो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन और गामा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बीटा से जो हाइड्रोजन वो बीटा हाइड्रोजन, गामा से कार्बन से जो हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है HCHO, अब समूह तो ये है, क्या समूह से कोई कार्बन जुड़ा, नहीं जुड़ा, ये तो हाइड्रोजन है कार्बन तो जुड़े ही नहीं है, तो समूह से जुड़ा कार्बन है ही नहीं, ना अल्फा कार्बन है ना बीटा है ना गामा है, और जब अल्फा बीटा गामा कार्बन नहीं है तो अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन कहाँ से हुई, इसीलिए ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, मैं कारण सहित स्पष्ट किया था मैंने, ठीक है ओके चलो आगे, एक होता है अल्फा हाइड्रोजन विहीन, क्या होता है रिंग के ऊपर CHO, ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, इनको याद रखना ठीक है, बट यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त की बात की है, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन तो ये हो गया, तो इनके अलावा जो भी एल्डिहाइड होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है, मतलब देखो समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, मतलब ध्यान रखना कि जो अपना एसीटैल्डिहाइड होता है क्या होता है एसीटैल्डिहाइड, ये एसीटैल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन युक्त होता है,
तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की करते क्या है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन की अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो ये एरो बनेगा, इसके ऊपर लिखा है अम्ल या क्षार। मेरे भाई इस अभिक्रिया को आप रट तो नहीं सकते, रट तो आप कोई भी अभिक्रिया नहीं सकते, ये हो या कोई और, रट तो आप कोई भी नहीं सकते, लेकिन अभिक्रियाओं को बनाना सीखा जाता है, तो इस अभिक्रिया को भी हम बनाना सीखेंगे। देखो तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, कीटोन की भी बनाएंगे CH3CO CH3, ये भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, ये है आपका समूह, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन ये भी है, देखो समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा होता है, तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े ही हैं, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, बट ये CO होने के कारण कीटोन है, मतलब ये एसीटोन है, क्या है ये एसीटोन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जो रहते हैं इसके हम दो अणु लेते हैं, कितने अणु लेते हैं, दो अणु, तो एक अणु हमने ये ले लिया और एक अणु हमने ये ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है प्यारे भाई, आप देखो यहाँ पर कितने एच दिख रहे हैं, दो एच दिख रहे होंगे, कितने एच दिख, सॉरी तीन एच दिख रहे होंगे, तो इन तीन एच में से बेटा क्या होता है, एक एच निकल के इस ओ के साथ क्या बनाता है, ओ एच, एक एच इस निकल कर इस ओ के साथ क्या बनाता है, ओ एच, और ओ एच है वो नीचे जुड़ जाता है, इसके नीचे जुड़ जाता है, बाकी यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम लिखा जाता है। अब जरा देखो ये क्या है, सी एच थ्री लिखा रहे, अब ये क्या है सी एच, ये लिखा, और ये ओ एक एच से क्या बनाया, ओ एच, और जो ओ एच बना है वो इसके नीचे जुड़ जाएगा, जुड़ गया, ठीक है। ये अब यहाँ क्या बचा, सी एच थ्री था, ये गया, सी एच टू बचा, ये रहा सी एच टू, और ये क्या है सी एच ओ, ये आपका रहा समूह, ये आपका क्या रहा समूह, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा और तीसरा कार्बन गामा, तो आप देखो बीटा से जुड़ा OH, बीटा से क्या जुड़ा OH, तो हमने इसको लिखा बीटा हाइड्रोक्सी, क्या लिखा हमने बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, और इस यौगिक में CHO जुड़ा है, और CHO जिस यौगिक में जुड़ा होता है वो एल्डिहाइड होता है, तो बीटा पे तो OH जुड़ा, तो हमने लिख दिया बीटा हाइड्रोक्सी, और CHO होने के कारण इस पूरे का नाम जो भी हो हमें नहीं पता, CHO जुड़ा होने के कारण एल्डिहाइड जरूर होगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये है बस हमें इतना पता है, और ज्यादा याद रखना भी नहीं है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लिया हमने, अम्ल और क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराए, तो बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, तो जब एसिड एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और जब एसीटोन लोगे तो कीटोन बनेगा, बोल बात समझ में आई, ठीक है। अब हम ये एसीटोन वाली अभिक्रिया आपको बता रहे हैं, तो एसीटोन को थोड़ा सा हम नीचे लिख देंगे क्योंकि यहाँ आपको देख नहीं सकता, हो सकता है, तो CH3 ये रहा CO और ये रहा CH3, ये हमारे पास क्या है एसीटोन, जैसा हमने ऊपर काम किया है वैसा ही काम नीचे करेंगे। ऊपर हमने एस्टेलिहाइड की दौड़ लिए, नीचे भी हम एस्टोन ले रहे हैं तो एस्टोन की दौड़ लेंगे, CH3 CO और ये CH3, इसमें हमने अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराई तो ये भी कराएंगे, क्योंकि अभिक्रिया तो एक ही है, अभिक्रिया तो एल्डोल संघननी है, तो हमें सेम काम करना है, बदलाव नहीं काम में करना है। इसमें भी एक एच निकाला था, ओ को दिया था, तो इसमें भी एक एच इसका निकालो और इस ओ को ले लो, ठीक। देखो अभी तक तो निकाला, अब बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना, तो ये आपका CH3 सेम रहा, रहने दो, ये आपका क्या है सी, रहने दो। अब इस सी से एक एच निकल के क्या बनाया ओ एच, तो ये बना दिया हमने ओ एच, लेकिन ये CH3 अब डायरेक्ट यहां नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट हम जोड़ देंगे तो सीरीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जो बैलेंस है, तो इसलिए ये वाला जो CH3 है इसको हम ऊपर जोड़ देंगे, है ना, तो ये वाला CH3 जोड़ दिया हमने ऊपर, ठीक है, जोड़ दिया। अब यहाँ क्या बचा CH2, ये रहा CH2, यहाँ क्या है CO रहा, यहाँ क्या है CH3 रहा, ये समूह, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, और बीटा से वह जुड़ा है और CO है तो पूरा क्या होगा, CO जिसमें होता है वो कीटोन होता है, तो बीटा से वह जुड़ा, इसलिए इसको बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, छोटा देख रहा होगा आपको, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होगी अभिक्रिया, मैंने ऊपर थ्योरी भी इसकी लिख दी,
तो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाई। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने 100% आपको इस रिएक्शन में दिया है। क्या प्रत्येक रिएक्शन में देता हूँ तो आपको बेहतरीन समझ में आई होगी, है ना। लाइक कर दिया वीडियो को, है ना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग का जो सपोर्ट है, जिस कारण ये सब चल रहा है, और आप लोग का सपोर्ट अगर बना रहेगा ऐसा ही, तो ये वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी बराबर, और अपना चलता रहेगा, सबका फायदा होगा, हमारा भी फायदा और आपका भी फायदा, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गई है। तो ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है हमारी कंप्लीट, और हम बढ़ते हैं आगे, और अगली रिएक्शन आप हेडिंग जमा लीजिएगा, मिटा दें इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ठीक है। तो कैसा लग रहा है वीडियो आप जरूर बताएं एक बार, ना कमेंट आपके लिए, कमेंट बॉक्स जो है आप ही के लिए खुला होता है भाई, तो आप एक बार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं बता रहा हूँ ना हमें भाई, है ना, इम्पोर्टेंट है सारी अभिक्रियाएं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन कराना, इन जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन को मैं इन रिएक्शन से ही पेपर में बनती है रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी, जिसका नाम है केनी-जारो अभिक्रिया, ठीक है भाई। केनी-जारो अभिक्रिया ये अगली रिएक्शन है इम्पोर्टेंट, केनी-जारो अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया केनी-जारो, ठीक है। करें स्टार्ट। अब हमने अभी देखा था, हमने अभी पढ़ी थी एल्डोल संघनन, और एल्डोल में हमने क्या देखा था, एल्डोल में हमने देखा था अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लिया जा रहा था, लेकिन जो केनी-जारो अभिक्रिया है इसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लिया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लिया जाता है, एल्डिहाइड ही लिया जाता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन विहीन कीटोन होता ही नहीं है। जो कीटोन देख रहा है अल्फा हाइड्रोजन विहीन होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होते हैं, तो एल्डिहाइड ही केवल केनी-जारो अभिक्रिया देता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की 50% NaOH के द्वारा अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, जिससे जिससे एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल एवं दूसरा अणु फार्मेट में बदल जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी लिखी, केनी-जारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की 50% NaOH के द्वारा, मतलब 50% NaOH का मतलब ये है कि इसमें जितना जल होगा उस जल में 50% NaOH होना चाहिए। जैसे आपने 1 लीटर जल लिया तो उसमें 500 जो ग्राम है वो आपका NaOH हो, 50% मतलब आधा NaOH होना चाहिए, ऐसा विलयन बनना चाहिए, ठीक है। पढ़ाएंगे तो एल्डिहाइड के एक अणु एल्कोहल और दूसरा अणु फार्मेट, मतलब ये यहाँ से ये भी स्पष्ट हो गया कि इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड उसके 2 अणु लेना, कितने अणु लेना है, 2 अणु, क्योंकि एक अणु एल्कोहल बनाएगा दूसरा अणु फार्मेट बनाएगा। आओ देखते हैं, ठीक है। देखो अब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में अगर हम SCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड लें, अभी आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन होती है ना, तो ये हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसके हमने 2 अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए, और इसकी क्रिया किससे करानी है, 50% NaOH मतलब ये NaOH से रिएक्शन करानी है मेरे भाई। ये जो मैं रिएक्शन है ना आपको अभी बता रहा हूँ फुल फॉर्म, जब ये क्या होता है, मैं रिएक्शन बनती है तो केवल यहाँ पर SCHO होता है और यहाँ NaOH होता है, दूसरा अणु नहीं लेना होता, दूसरा अणु दिया नहीं होता, तो वो आप जब क्या होता वाली रिएक्शन करोगे तो वो रिएक्शन में आपको एक और CHO आपके मन से लेना पड़ेगा, और याद रखना पड़ेगा कि जो NaOH है वो NaOH सिंपल नहीं है, ये 50% वाला है, मतलब ये केनी-जारो अभिक्रिया वाला NaOH है जिसमें 50% होता है NaOH, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जब पेपर में आएगा तो केवल इतना आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर केवल इतना आ जाएगा ऐसा, और बोलेगा कि बताओ क्या बनेगा, तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, और दिमाग ये चलाना पड़ेगा कि भाई ये तो केनी-जारो है, और केनी-जारो में है तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं, और उसमें NaOH जो होता है वो 50% वाला होता है,
ठीक है, चलो समझ गए, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे इसमें होता क्या है, देखो एक अणु अल्कोहल बनाएगा, दूसरा फॉर्मेल बनाएगा, देखो अब बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से बातों को समझना। ये क्या है बेटा, CH2, क्या है ये CH2, हमें एक अणु को अल्कोहल में बदलना है ना, अल्कोहल मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये वाला अल्कोहल बनेगा, एथिल तो बनेगा नहीं, क्योंकि एथिल के लायक यहाँ पर वो भी तो होना चाहिए H और C, तो एथिल नहीं बनेगा, ये बनेगा अल्कोहल। तो ये बनेगा कैसे बट ये सोचना है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है CH2, दिख रहा है ना, दिख रहा है, आप एक H ले लो बेटा इससे, एक H ले लो आप इससे, तो एक H जब हमने इसको दे दिया तो ये CH2 एक H मिला तो क्या बन गया, CH3 बन गया, CH2 तो पहले से ही था, एक H इसको मिल गया तो CH3 बन गया, तो ये CH3 तो बन गया। अब देखो ओ भी है, H एक और चाहिए, तो एक तो आपने इससे लिया, तो एक लेना आप इससे, तो एक हमने इससे ले लिया, तो ध्यान रखना एक लिया इससे और एक लिया इससे, तो इसका H ने CH3 बना लिया, CH2 तो ये पहले था, इनको जोड़ के लिखो CH2, एक H मिला CH3, ये O, और यहाँ से एक H मिल गया तो ये OH, मतलब ये अपना बन गया अल्कोहल, एक अणु अल्कोहल में बदल गया, जो इसने बोला था बिल्कुल बदल गया, ठीक है ये बदल गया। क्या दूसरा अणु फॉर्मेट बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, कैसे बनाएगा, इधर देखो ये जो आपका CHO बचा है, इस CHO में H को आगे लिख लो, ऐसा लिख लो इसको, H को आगे लिखा और ये CO लिख लिया। अब इधर क्या है, O और Na, तो ये O और जो Na है उसको सेम लिख दो, ये H को आगे लिखा CO और ये ONA हमने सेम लिख दिया, तो देखो ये आपका फार्मेट होता है ना, ये फार्मेट, बट ये सोडियम है, तो ये हमारा बना है सोडियम फार्मेट, क्या बना बेटा, सोडियम फार्मेट, ये सोडियम फार्मेट अपना तैयार हो गया। आई होप आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये हमने अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में क्या लिया था बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, क्या अल्फा हाइड्रोजन विहीन एक और होता है ना बेंजाल्डिहाइड, तो उसकी रिएक्शन देख लो आप, ये बेंजाल्डिहाइड रिंग के ऊपर CHO, तो यहाँ पर इसके दो अणु लिए, तो यहाँ भी इसके दो अणु ले लेना, चाहे तो आप C6H5 करके भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, NaOH, जैसा काम हमने ऊपर किया है वैसे ही काम यहाँ करेंगे, हमने एक H इससे लिया था, एक H इससे, इसमें भी एक H है इससे लेंगे और एक H है इससे लेंगे, दोनों से एक इससे लिया और एक इससे, तो जब एक H इससे लिया तो आप देखना क्या बनेगा, एक H इससे लिया तो ये क्या CH तो था, एक H इससे लिया तो इसने बनाया CH2 है ना, और ये O तो है, एक H यहाँ से गया तो ये बना OH, क्या बना OH, तो रिंग के ऊपर CH2OH हो गया जो आपका अल्कोहल ही है, बट यहाँ पर ये बेटा बेंजील अल्कोहल है, क्या है बेटा बेंजील अल्कोहल, ध्यान रखना ये बेंजील अल्कोहल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, ये बेंजील अल्कोहल है, फॉर्मूले में पहले ही बता चुका हूँ आपको, कंप्लीट करा चुका हूँ। अब यहाँ देखो रिंग के ऊपर क्या बचा बेटा, H तो गया, CO बचा, तो ये रिंग है और रिंग के ऊपर क्या बचा है, यहाँ एक मिनट, CO बचा है, क्या बचा है बेटा CO, और यहाँ क्या है O और Na, तो ये O और ये Na, तो ये फार्मेट ही है, फार्मेट में रिंग के ऊपर जो सी डबल O दिख रहा है इसको बेंजोइड बोलते हैं, और ये सोडियम है, तो ये हमारा बन चुका है सोडियम बेंजोइड, क्या बन गया बेटा सोडियम बेंजोइड, और ये हमारी अभिक्रिया हो गई, कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी, रिएक्शन समझ में आई होगी, तो लाइक कर दो यार एक बार जरूर। तो नेक्स्ट है भाई हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, जी हाँ ये जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, तो ध्यान रखना फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे और इसका उपयोग बताओ, क्या बताओ भाई उपयोग बताओ, मैं ये कह रहा हूँ इस यूनिट से, ये जो मैं आपको IMP लगवा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में छपते हैं, डायरेक्ट छपते हैं, ठीक है। तो आ जाओ बनाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाएंगे, कार्बोनिल यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया में ही आता है, तो यहाँ से पहले हमें यूरोट्रोपिन का पता होना चाहिए कि सर यूरोट्रोपिन होता क्या है। तो देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं साइड में आपको लिखवाता हूँ, साइड में आपको लिखवाऊंगा, तो और ये एक ऐसी भी चीज़ है कि मैं जो चीज़ आपको साइड में लिखवाऊँ ना उसका आप फॉर्मूला जरूर अपनी फॉर्मूले लिस्ट में लिखना, क्योंकि फॉर्मूले की जो लिस्ट है वो आप अलग से बनाना, फॉर्मूले लिस्ट जो है ना फॉर्मूले
फॉर्मूले आप अलग पेजों में लिखना ताकि आपको सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएं और जब आप पढ़ने बैठो तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो है वो आपको याद रह जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो गैर है वो है फॉर्मूला। आपको पता है अगर गाड़ी में गैर ना डालें तो गाड़ी आगे ना बढ़े, गाड़ी में अगर गैर नहीं डालेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आपको पता है ना। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गैर कौन है, फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आ जाओ यूरोट्रोफिन का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा यूरोट्रोफिन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6N4 जो है वो यूरोट्रोफिन का फॉर्मूला है। ध्यान रखना CH2 का होल 6 यूरोट्रोफिन N4 यूरोट्रोफिन का फॉर्मूला है। क्या इसका और कोई नाम है? बिल्कुल है। देखो आप 6 क्या है? मैथिलीन। आपको पता है ना CH2 क्या है? मैथिन है ना। क्या है CH2? मैथिन। तो और 6 है तो 6 के लिए क्या बोलते हैं बेटा हम? हेक्सा बोलते हैं। तो हेक्सा मैथिलीन, हेक्सा मैथिलीन, मैथिन मतलब मैथिन, मैथिलीन होता है, मैथिन को ही मैथिलीन बोल सकते हैं। ठीक है, और 4 क्या है? एन। एन को क्या बोलते हैं? एमीन, है ना। तो 4 के लिए क्या बोलेंगे? टेट्रा। और एन के लिए क्या बोलेंगे? एमीन। तो ये जो है आपका फॉर्मूला यूरोट्रोफिन, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन। ये आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग में इस चीज को रखना है। ये फॉर्मूले लिस्ट में आप लिख लो हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन है कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोफिन बनाओ, क्या इसका कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है। फॉर्मेल्डिहाइड से तो बना नहीं है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? फॉर्मेल्डिहाइड SEHO। अब यूरोट्रोफिन बनाना है तो देखो आपको पता है जो यूरोट्रोफिन है इसमें CH2 होता है और N होता है, तो इसमें तो N देख ही नहीं रहा, तो ऐसा कुछ लेके आओ, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाओ कि N भी आ जाए, है ना। तो आप क्या कर सकते हो? N किसके पास होता है? अमोनिया के पास होता है ना। तो इस फॉर्मेल्डिहाइड की तुम बेटा किससे करा दो क्रिया? अमोनिया से। किससे करा दो? अमोनिया से क्रिया करा दो। अब यहाँ थोड़ा सा समझना, अब फॉर्मेल्डिहाइड में ये अगर इतने इतने को मिला दें तो क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा ना। अगर इतने को मिला दें तो क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। बट हमें कितने CH2 चाहिए? 6 चाहिए। कितने चाहिए? 6। तो आप इसके कितने अणु लो? 6 लो। फॉर्मूला याद होंगे तो काम बनेगा। तो इसके आप कितने अणु लो? 6 अणु लो। ठीक है, तो आपको नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पर N के कितने अणु चाहिए हमें? 4। आप देखो तो आप इसके 4 अणु ले लो। तो ये 6 CH2 और 4 N ये आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा? CH2 का होल 6 N4 बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 6 O बच गए और H कितने हो गए? 4। 3 इधर, 4 किया 12। 12 H और 6 O हैं तो 12 H 6 O के साथ मिलेंगे तो ये बन जाएगा 6H2। तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से डायरेक्टली क्या बन गया पैर भाई? यूरोट्रोफिन बन गया। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोफिन कैसे बनेगा? जब फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराई जाती है तो हमें यूरोट्रोफिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यूरोट्रोफिन। ये रहा आपका यूरोट्रोफिन। ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म आईयूपीएसी नाम क्या है? हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन, ये बता दिया। लेकिन आपसे पूछा है कि बेटा इसका उपयोग बताओ। क्या बताओ? इसका उपयोग बताओ। तो उपयोग अपन देखें तो इसका उपयोग ध्यान से रखना, ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। आपने सुना होगा गठिया रोग, गठिया रोग आपने सुना है, गठिया रोग जिसमें ये जोड़ दर्द करते हैं, ये जोड़े हैं, घुटने हैं ना, घुटनी है, ये जो जोड़े जोड़े दर्द करते हैं उसको गठिया रोग कहते हैं, आपने सुना होगा। तो जो है ना यहाँ पर लिख लेना यूरोट्रोफिन का उपयोग गठिया रोग के इलाज में किया जाता है। ठीक है, यूरोट्रोफिन का उपयोग बेटा कहाँ किया जाता है? गठिया रोग के इलाज में किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये आपका उपयोग हो गया। अब एक और चीज इसमें से पूछी जाती है, एक और चीज वो क्या है? यूरोट्रोफिन की आपसे संरचना पूछी जाती है कि यूरोट्रोफिन की संरचना क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम यूरोट्रोफिन की संरचना बना रहे हैं, उसको आप ध्यान रखना।
देखो यूरोट्रॉपिक की जो संरचना होती है बेटा वो बेंजीन के जैसी होती है। कैसी होती है? बेंजीन की। जैसे बेंजीन की संरचना, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है लगभग उसी रूप में होती है, बट बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन होता है, लेकिन जो यूरोट्रॉपिन है उसमें CH2 और N होगा। तो CH2 कितने हैं यूरोट्रॉपिन में? 6। N कितने हैं बेटा? 4 है। तो आओ उसकी संरचना बनाते हैं। तो स्टार्ट हम किससे करते हैं बेटा? N से। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या? N। ध्यान रखना N के बाद N नहीं आना चाहिए और CH2 के बाद CH2 नहीं आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये अपना N आ गया, ठीक है। फिर N के बाद क्या आएगा? CH2। यहाँ भी क्या आएगा बेटा? CH2। तो यहाँ पर ये CH2 और ये CH2। फिर CH2 के बाद कौन आएगा? N। CH2 के बाद कौन आएगा? N। फिर N के बाद बेटा कौन आएगा? CH2। ये CH2। तो देखो आपके 3 CH2 चलेगा और 3 N चलेगा, आपके 6 CH2 है ना। तो आप देख रहे हो बनाया ना बिल्कुल बेंजीन जैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बिल्कुल लग रहा है। अब हमारे पास 3 CH2 और जोड़ना और 1 N है, तो ऐसे कोई जुगाड़ बनाओ कि 3 CH2 और 1 N से काम चल जाए। तो देखो इधर ये आपका जो CN है, इसके बाद कौन आएगा? CH2 आएगा। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद N आएगा। कौन आएगा? N। तो ये N CH2, ये N बीच में से निकाला हमने, ठीक है। फिर यहाँ CH2 और ये N, देखो आप कोई भी रिवाइज नहीं है, यहाँ N, यहाँ CH2 और यहाँ N, देख लो आप कोई भी रिवाइज नहीं है आपको। देखो आप बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है, बहुत अच्छे से देख लो। N CH2 N CH2 N CH2 CN CH2 N CH2 N, देख लो कोई भी रिवाइज नहीं है। तो ये इसकी संरचना है, ये संरचना भी इसकी इंपॉर्टेंट है, इससे यही पूछा जाता है, कभी कभी संरचना भी आपसे पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रॉपिन बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड की, ये जो आपके पास है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है ये? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इस फॉर्मेल्डिहाइड की बेटा हमने किससे क्रिया कराई? अमोनिया से। हमारे पास यूरोट्रॉपिन बन गया है ना, लेकिन हमें यूरोट्रॉपिन का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले ही नहीं पता हुआ तो ये आप लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लगा पाओगे, है ना। तो फॉर्मूले सबसे जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप फॉर्मूले तैयार कीजिए पहले, ठीक है। चलो तो ये बन गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली हमारी एक अभिक्रिया आती है, इसको मिटा दें। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेते चलो और वीडियो को लाइक करते चलो, है ना भाई। वीडियो को लाइक करते चलो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, है ना। क्या कर रहे हो अभी तक, है ना, कितना इम्पोर्टेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। दो दो ढाई ढाई घंटे की आपको वीडियो दे रहा हूँ मैं, आपके सिलेबस को देख के, आपके एग्जाम को देख के, भाई एग्जाम के लिए समय बचा है कम, पढ़ना है हमें ज्यादा, इसलिए हमने बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, और नेक्स्ट हेडिंग बेटा हमारी है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्या बेटा? क्लीमेंसन, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो हमने अभी एक पढ़ी थी स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया में भी अपचयन कराते हैं और क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में भी अपचयन कराते हैं, इन दोनों में ही अपचयन कराते हैं, क्योंकि ये नाम से ही आती है अपचयन है, तो अपचयन तो इसमें करा नहीं है। देखो हमने देखा था स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया में टिन फ्लोराइड और HCl द्वारा अपचयन करा रहे थे, अब क्लीमेंसन में किसके द्वारा अपचयन कराएंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले सुन लो, ये जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन दोनों व्यक्ति इस क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया को देते हैं, एल्डिहाइड भी देता है और बेटा कीटोन भी देता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा? अपचयन कराएंगे किसका? देखो आप इधर एल्डिहाइड का कराएं, सबसे पहले किसका कराएं? एल्डिहाइड का, CH3CH, ये हमारे पास क्या रहा? एल्डिहाइड रहा, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये एल्डिहाइड रहा, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड में बेटा क्या है? एसिटाल्डिहाइड। क्या है? एसिटाल्डिहाइड, बात समझ में आए। अपचयन कराना है तो अपचयन तो नवजात हाइड्रोजन द्वारा कराएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया? नवजात हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? नो, कोई परेशानी है? बिल्कुल आई होप नहीं होगी। तो इसमें बेटा जो अपचयन है वो हम अपचयन किसके द्वारा कराते हैं? जिंक, अमलगम और HCl। तो इसमें जो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है, इस क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में हम अपचयन जिंक, अमलगम और HCl द्वारा कराते हैं, जिंक, अमलगम और HCl द्वारा कराते हैं अपचयन, ठीक है। तो इसमें जब हम अपचयन कराएंगे तो बेटा इसके हम 4 अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे? 4। 4 अणु में से क्या होगा? 2 अणु तो H को बाहर कर देंगे, 2 H तो O को बाहर कर देंगे और क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2। 2 H ने O को बाहर किया, H2 बन गया। अब यहाँ पर 2 H बचे हैं वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, जब इसके साथ जुड़ेंगे तो ये आपका क्या? CH3। ये CH3
और दो एच इसके साथ आ गए तो ये भी क्या हो गया CH3 और ये अपना बन गया बेटा एथेन। क्या बन गया बेटा? एथेन बन गया। तो बोलो बात समझ में कि नहीं आएगी? ठीक है, ध्यान रखना क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया एथेन देती है आपको। क्या देती है? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया एथेन देती है, मतलब एल्केन का कोई यौगिक बनाती है। ध्यान रखना इस बात को, क्या बनाती है? एल्केन का कोई यौगिक। ठीक है, और स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था? वो एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया थी, एल्डिहाइड है कीटोन बनाने की थी। ठीक है, और ये एल्केन बना देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हमने एल्डिहाइड की देखी, अब कीटोन की देख लेते हैं। कीटोन CH3CO CH3 ये हमारा कीटोन है, और कीटोन में बेटा क्या है? एसीटोन। जैसी कहानी यहाँ पर आई है वैसी के वैसी कहानी यहाँ बनेगी। इसमें भी आप अपचयन कराओ, अपचयन नवजात हाइड्रोजन द्वारा कराते हो। ठीक है, और किसके द्वारा कराना? जिंक, अमलगम और HCl द्वारा ही कराना है। इसमें भी इसके चार अणु लो, तो आप क्या करना बेटा, दो एच को एक ओ के साथ, दो एच को एक ओ के साथ आप क्या बना के भेज देना बेटा? H2 बना दिया बाहर, बना दिया बाहर कर दिया, और दो एच बचे एच सी के साथ जोड़ दो। तो ये अपना रहा बेटा CH3, ये रहा आपका CH2। दो एच जोड़ दी ना, CH3 सेम, यहाँ CH2 और ये CH3, ये CH3, और ये भी क्या बन गया? एल्केन। अब एल्केन में देखो एक दो तीन, तीन कार्बन वाला एल्केन, और तीन कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। आप मिला लो, ये प्रोपेन है, तीन कार्बन और दुगने से दो अधिक हाइड्रोजन होंगे, तीन कार्बन, तीन और तीन छह और दो आठ हाइड्रोजन, तो ये प्रोपेन बन गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है। अब बात है थ्योरी की, सर हम थ्योरी कैसे लिखेंगे? तो भाई ये तो सिंपल है, रिएक्शन से थ्योरी बनती है। तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे? इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन को, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक, अमलगम और HCl द्वारा अपचयन कराते हैं। जिंक मरकरी पारा बोलते हैं ना, तो जिंक अमलगम और HCl द्वारा क्या कराते हैं बेटा? अपचयन कराते हैं, जिससे एथेन प्राप्त होता है, या फिर एल्केन बोलना, इसका ओवरऑल संरचना बोलना, एल्केन प्राप्त होता है। अब एल्केन में इसमें एथेन, इसमें प्रोपेन हो रहा है ना, तो आप एल्केन बोल देना, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेटा हम क्या बोलेंगे? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, है ना। नेक्स्ट है हमारी वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। भाई साहब नाम रिएक्शनों के है ना, बिल्कुल अजीब आपको लग रहे होंगे, बट कुछ नहीं है, कुछ रिएक्शन और करनी है तीन चार इस यूनिट में, और फिर अगर आप इतना कर लेते हो फिर कोई भी आपके एग्जाम में आ जाए रिएक्शन आपसे बनेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारी वुल्फ वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया, वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी अपचयन अभिक्रिया है। इसमें हम क्या कैसे अपचयन कराते हैं तो आपको वो देखना पड़ेगा बेटा। ये बहुत थोड़ी सी इजी सी है, ये रिएक्शन है ना, इजी भी है और थोड़ी कठिन भी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो वुल्फ किस्नर अभिक्रिया होती है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं? एसिटाइल्डिहाइड CH3CHO या कीटोन CH3CO CH3, ये जो एसिटाइल्डिहाइड या कीटोन होता है इसकी हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये उड़ता है कि सर हमें हाइड्रोजन का फॉर्मूला नहीं पता, तो ये नया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को तुरंत अपने फॉर्मूले लिस्ट में लिख लो। तो ये है बेटा हाइड्रोजन का फॉर्मूला। क्या है? हाइड्रोजन। मैं आपको कितनी बार कहूँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट है, ये जान ही है फॉर्मूला। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो सर इसमें होता क्या है, क्या इसमें होता है, कैसे होता है इसमें, वो आप देखो। आप देखो इसमें आपको ये दो एच दिख रहा है, दो एच इस ओ के साथ क्या बना लेंगे बेटा? H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2 बन गया। H2 अब H2 तो बन गया बेटा, H2 बन गया, कोई परेशानी नहीं, H2 बन गया, दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे अब CH3 ये बचा, ये क्या बचा? CH, ये बचा CH, इससे कौन जुड़ा? N। तो ये डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और H तो गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये क्या बचा? NH2। अभी हमारा फाइनल यौगिक नहीं बना, ये अपना मध्यवर्ती यौगिक बना है। क्या बना है बेटा? मध्यवर्ती यौगिक। चाहे तो हम एक स्टेप में भी बना सकते थे इस रिएक्शन को। ठीक है, तो जैसे ही हमने हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो दो एच ने ओ के साथ क्या बनाया? H2O, और ये वाला पूरा का पूरा यहाँ जुड़ गया, तो CH3, ये रहा CH। बैलेंस करने के लिए लगाया डबल बॉन्ड, तो है ना, बैलेंस करने, आपको पता ना कार्बन की बैलेंस शीट चार होती है, नाइट्रोजन की तीन होती है, तो ये बैलेंस करने के हिसाब से लगाया। ठीक है, चलो आगे देखें, ये बना मध्यवर्ती यौगिक। अब जो मध्यवर्ती यौगिक हुआ बना है, इसकी हम पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड क्या होता है बेटा? C4H9O के, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड, ये आपका ब्यूटॉक्साइड होता है। जैसे आपका ये मैथिल
से मेथॉक्साइड बनता है, एथिल से एथॉक्साइड बनता है। जैसे ये आपका क्या है मेथिल, अगर मेथिल में वो लगा दे तो क्या बन जाएगा मेथॉक्साइड, एथिल में वो लगा दे तो एथॉक्साइड, प्रोपिल में वो लगा दे तो प्रोपॉक्साइड, और ब्यूटिल में वो लगा दे तो ब्यूटॉक्साइड बन जाता है। तो ये C4H9 क्या है ब्यूटिल, वो लगाने से क्या बना ये ब्यूटॉक्साइड, तो ये पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड। तो आगे जो मध्यवर्ती यौगिक है इसके हम पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से क्या होगा बेटा ये दोनों एन आपस में मिल जाएंगे और N2 बाहर कर देंगे, N2 गैस बाहर कर देंगे, और बचा हमारे पास क्या CH3, और ये CH और ये H2, तो इसके साथ मिला दो H2 को, तो ये भी क्या बन गया CH3, तो ये भी आपका क्या बन गया एल्केन बन गया, और एल्केन में इसका नाम क्या बेटा एथेन, क्या है ये एथेन। तो ऐसे ये रिएक्शन बनती है, ठीक है। सेम आप रिएक्शन किसकी करा सकते हो, ब्यूटोन की करा सकते हो, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम होगी। बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन जब कराओगे ब्यूटोन के साथ तो यहाँ पर ये जो H2 है H2O के साथ बाहर जाएगा, क्या बना के H2O, ये H2O बना के बाहर हो गया। अब इसको लिखना थोड़ा तरीके से पड़ेगा, क्योंकि ये CH3 से तो इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि CH3 तो फुल वैलेंस है, तो इस CH3 को ऊपर नीचे कहीं जोड़ना पड़ेगा इस कार्बन से। तो देखो ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका C, और ये जो CH3 इसको ऊपर जोड़ दो या नीचे जोड़ दो, ये CH3, ठीक है, ये C और ये वाला CH3 नीचे। अब इसको N से कनेक्ट कर दो, तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा वैलेंस के लिए, और यहाँ से बेटा एक मिनट, ये NH2 है, NH2 है, तो यहाँ पर आपका NH2 है ना। फिर वही आपका पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में इसको क्या करना है, गर्म करना है, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा N2, तो ये N2 हो जाएगी बाहर। अब यहाँ क्या बचा बेटा CH3, यहाँ क्या बचा C, और यहाँ ये H2 है, इस C को दे दो, H2 को ये बैलेंस करने के लिए इसको दे दो, और ये बचा CH3। अब ये CH3 यहाँ लिख सकते हो, तो आपका ये क्या बन गया प्रोपेन बन गया, क्या बन गया बेटा प्रोपेन, क्योंकि तीन कार्बन है ना, और तीन कार्बन से क्या बनता है प्रोपेन बनता है। तो ये वुल्फ किशनर अपचयन अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया है ना, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं करा रहा हूँ, ये नाम वाली जितनी भी रिएक्शन है, ये जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा अभिक्रियाएं तो नहीं पढ़नी पड़ती, फिर भी जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं वो पढ़नी पड़ती है, और नाम वाली रिएक्शन ही इस यूनिट में से पूछी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वुल्फ किशनर अपचयन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे बेटा, वुल्फ किशनर अपचयन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन की, एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, जिससे एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, जिसकी पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एथेन बनता है। इस अभिक्रिया को बेटा हम क्या कहेंगे, जो है ना वुल्फ किशनर अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे मेरी बात को, कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो दोस्तों, मैं आपको इस स्लाइड में तीन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आपको कराऊंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मैं इन पे नाम खुद डाल रहा हूं कि भाई साहब ये मोस्ट रिएक्शन है ना, ये मोस्ट रिएक्शन है, और ये जो है ये मोस्ट रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने तीनों पर डाल दिया। अच्छा, तीन रिएक्शन में हम कौन कौन सी करेंगे, अब इस साथ में क्यों लेके आए सर, उसका भी एक रीजन है, आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फर्किन अभिक्रिया, दूसरी क्लेजन संघनन अभिक्रिया, और तीसरी है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। ये तीन अभिक्रिया है एक ही स्लाइड में आई है, आपको इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एग्जाम में आती है। साथ में क्यों लाया, तीनों रिएक्शन जो है ना बेंजाइल्डिहाइड की है, C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO ना लिखो तो रिंग के ऊपर CHO लिख दो, और ये क्या होता है बेंजाइल्डिहाइड। ये जो तीनों के तीनों रिएक्शन है बेंजाइल्डिहाइड की, ये इसीलिए साथ में आए, ठीक है, आओ, और एक जैसी भी है लगभग, इसलिए इसको हम साथ में लेके आए। तो आओ जरा देख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो तीसरी जो रिएक्शन है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, जो तीसरी रिएक्शन है जिसका नाम क्या है बेटा बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, इसको हम सबसे पहले कराएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना सबसे सरल रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं बेंजोइन संघनन अभिक्रिया में बेंजाइल्डिहाइड की दोनों लेते, ये भी आपने पास क्या है बेटा बेंजाइल्डिहाइड, क्या है ये बेंजाइल्डिहाइड है, और सेम ये है तो ये भी बेंजाइल्डिहाइड है। तो इसमें बेंजोइन संघनन अभिक्रिया में बेंजाइल्डिहाइड की बेंजाइल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं, है ना, और जब बेंजाइल्डिहाइड की बेंजाइल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो दोनों अणु आपस में संघनन हो जाता है, दोनों अणुओं का आपस में संघनन हो जाता है, और ये रिएक्शन ध्यान रखना एल्कोहल पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में कराते हैं।
दोनों अणुओं का संघननांश हो जाता है और ये जो दोनों अणु हैं ये जो है बेटा आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब ये C6H5CH2 C6H5CH2 कुछ नहीं करना, हाइब्रिडाइज कर दो, दो है ना, हाइब्रिडाइज कर दिया। ये जो बना है बेटा, ये बना है, इसका नाम है बेंजोइन। क्या बना है बेटा? ये बेंजोइन बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, इसकी थ्योरी बनाएंगे अपन। इस अभिक्रिया में बेंजाल्डिहाइड की बेंजाल्डिहाइड से एल्कोहल की पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे बेंजाल्डिहाइड के दोनों अणुओं का संघनन हो जाता है, फलस्वरूप बेंजोइन बनता है। इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्लेजन संघनन अभिक्रिया और परकिन। तो पहले परकिन करेंगे फिर क्लेजन करेंगे। आओ जरा इसको समझो बेटे, जो परकिन अभिक्रिया दिख रही है ना आपको, इस परकिन अभिक्रिया में बेंजाल्डिहाइड, आपको पता है ना ये बेंजाल्डिहाइड है, मैं आपको यहां से बता चुका हूं पहले, ये बेंजाल्डिहाइड है। तो इसमें बेटा बेंजाल्डिहाइड की हम एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड नया फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूले लिस्ट में लिख लेना, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है ना। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। तो देखो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको तरीके से लिखेंगे, CH3CO कितने हैं बेटा इसमें? दो है। तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे तरीके से, CH3CO ये रहा O और यहाँ भी लिख देंगे CH3CO। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। अब थोड़ा सा परिवर्तन हम इस अणु में और करेंगे, क्योंकि अणु को हम हमारी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं, जैसे हमें अच्छा लगे वैसे। आओ जरा देख लेते हैं। देखो जरा यहाँ पर आप समझना, ये जो CH3 था, यहाँ पर क्या था? CH3 था ना, तो ये तो लिख दिया हमने C। अब इसके जो तीन H हैं, एक H इधर लिख दिया और दो H हमने ऐसे इधर लिख दिए, कोई दिक्कत है? तो देखो सी एच तीन ही है तो CH3 हो गया, दिक्कत ही नहीं, ठीक है। सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, ये बेंजाल्डिहाइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको हमने तरीके से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारी सुविधा के लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए आप अणु को कैसे भी लिख सकते हो, बस उसमें वो होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा हमने इसलिए लिया, जब हम इसको गर्म करेंगे सोडियम एसिटेट के साथ क्रिया कराएंगे या उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो इसमें होगा क्या बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये जो है इतना मिलके क्या बना देगा, CH3COOH और ये क्या रहा, एच। तो ये इतना जो है वो मिलकर बना देगा CH3COOH, आपको दिख रहा है CH3COOH और ये H। परेशानी नहीं होगी आई होप। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब जो अणु बचा है उसको कैसे लिखना है, तो देखो ये C6, ये C6, ये H5, C6H5, यहाँ से केवल CH को लिखना, O को छोड़ देना, CH लिखना, ये रखा CH, यहाँ से H को छोड़ना, इस CH को लिखना, ये लिखा CH, यहाँ से C6H5 ये लिखा CH, ये लिखा ये वाला CH, ये लिखा, तो यहाँ से छोड़ क्या दिया, O और H छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ क्या है बेटा CO, तो अब लिखो आप ये CO, और क्या छोड़ा था O, और इधर से क्या छोड़ा था H, तो ये O और ये H, तो ये COOH है जो कि एक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी अणु बैलेंस नहीं है पूरा, देखो एक दो तीन, एक दो तीन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये जो यौगिक बना है, ये जो यौगिक बना है बेटा, इस यौगिक का नाम पता क्या है, इस यौगिक का नाम है बेटा सिनेमिक अम्ल। क्या है बेटा? सिनेमिक अम्ल, ध्यान रखना इस बात। अब सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। तो बेटा आपको क्या करना है, ये जो आपको रिएक्शन है रटना नहीं है, कि रटना, रट तो आप पाए नहीं पाओगे नहीं, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन करना है, तो इनको बनाना सीखना, ये जो सिनेमिक अम्ल है इसको बनाना सीखना, कि ये बना कैसे है ना, ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है उनको बनाना सीखना, रटना नहीं, रटना आप को बिल्कुल पता ही नहीं। तो ये मैंने आपको पूरा पूरा बताया कैसे क्या हुआ, सारा कुछ हो गया, ठीक है। बाकी बात थ्योरी की, थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो आप क्या लिखना, इस अभिक्रिया में बेंजाल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बेंजाल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ गए, ठीक। आगे बढ़ो, क्लेजन की बात करें, अब क्लेजन को आ जाओ कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसमें हम जो बेंजाल्डिहाइड है इसकी एसीटैल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर, ध्यान रखना ये जो बेंजाल्डिहाइड और ये एसीटैल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड की एसीटैल्डिहाइड के साथ, ये बेंजीन वाला है और ये एल्किल वाला है,
इसमें क्या होगा, यहाँ आपको कितने एच दिख रहे होंगे, तीन एच दिख रहे होंगे, तो तीन एच में से बेटा क्या होगा, दो एच इस ओ के साथ क्या बनाएंगे, एच टू ओ। समझ लिया, तीन एच है इनमें से दो एच एक ओ के साथ क्या बनाएंगे, एच टू। बचा क्या, सी सिक्स एच फाइव, सी सिक्स एच फाइव बचा, यहाँ से क्या बचा बेटा सी एच, यहाँ से क्या बचा, दो एच गए सी एच बचा, ये रहा सी एच, यहाँ से क्या बचा ये सी एच ओ, बैलेंस नहीं है ये तो डबल बॉन्ड लगा दो, है ना। अब ये सिनेमिक अम्ल है क्योंकि सी डबल ओ एच था और ये सी एच ओ होने के कारण ये सिनेमिक एल्डिहाइड है। क्या है ये बेटा, सिनेमिक एल्डिहाइड है, ये सिनेमिक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ध्यान रखना इस बात को, ये सिनेमिक बेटा क्या है, एल्डिहाइड। ये देखो सी डबल ओ एच होने के कारण ये अम्ल था और ये सी एच ओ होने के कारण क्या है बेटा, सिनेमिक एल्डिहाइड। आई होप आप बेहतरीन तरीके से इन तीनों रिएक्शन को समझ गए होगे। इसमें ये रिएक्शन क्षार NaOH की उपस्थिति में होती है, थ्योरी आप लिख ही लोगे। इस अभिक्रिया में बेंजाल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड के साथ क्षार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं जिससे सिनेमिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को प्लेजन संज्ञा अभिक्रिया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन पर। तो अगली और हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे भाई, इटार्ड अभिक्रिया। जी हाँ, इटार्ड अभिक्रिया, थोड़ा सा इसको समझ लो, इसको हम दो तरीके से कराएंगे आपको, ठीक है। इटार्ड अभिक्रिया ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, आती भी है, ठीक है। इटार्ड अभिक्रिया देखो, समझो यहाँ पर, इस अभिक्रिया में टालुइन को, टालुइन जानते हो रिंग के ऊपर सी एच थ्री, टालुइन क्या होता बेटा, रिंग के ऊपर सी एच थ्री, जैसे ये हमने क्या बना दी बेंजीन रिंग, और यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर सी एच थ्री लिखते हैं तो ये टालुइन बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में टालुइन को, ठीक है ये टालुइन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सी सी एल फोर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब सी सी एल फोर, ठीक है, के बिलियन में लेना है। पहले इस टालुइन को अपन क्या करना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बिलियन में मिला लेना है, ठीक है, एक बिलियन लेंगे उसमें मिला लेंगे, ठीक है। फिर क्रोमेल क्लोराइड, क्रोमेल क्लोराइड मतलब सी आर ओ टू सी एल टू, सी आर ओ टू सी एल टू क्रोमेल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। पहले हम इस टालुइन को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बिलियन में लेंगे और क्रोमेल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जिससे आपको एक अक्षेप प्राप्त होगा, एक पीले कलर का एक अक्षेप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना पीले कलर क्या प्राप्त हो गया, अक्षेप। अब जो आपको अक्षेप प्राप्त हुआ है उस अक्षेप का आप जल अपघटन कराओगे, मतलब दूसरे नंबर पे आप जल अपघटन कराओगे, मतलब जल से क्रिया कराओगे। तो जैसे ही आप जल से क्रिया कराओगे तो आपको बेंजाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड मतलब रिंग के ऊपर सी एच ओ। तो ये थ्योरी और रिएक्शन, ये थ्योरी और ये रिएक्शन, आप ऐसे ही कर दो डायरेक्ट, ये जो थ्योरी है उसको आप रिएक्शन में ऐसे जमा दो, ऐसे ही कर दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। बट ये आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर इससे ये बन कैसे गया, इसमें ये समझ में नहीं आया होगा, ये डायरेक्ट बन गया। इसमें बोलो टालुइन लिया था, इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के ब्लेयर में लिया, क्रोमेल क्लोराइड और जल क्रोमेल क्लोराइड से रिएक्शन कराया, अक्षय प्राप्त हुआ, जल अपघटन कराया, बेंजाल्डिहाइड प्राप्त हुआ, ये डायरेक्ट हो गया रिएक्शन, ये होता है बेंजाल्डिहाइड। बट ये समझ नहीं आई, अब आपको समझना है कैसे बना ये, वास्तव में क्या हुआ इसके अंदर। तो देखो या कर लिया, जिसको आपको ये लिखना है वो लिख देना ये, क्योंकि ये इजी है, आप ये लिख देना, ये लिख देना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और जिसको ये नहीं लिखना, ये पता करना है कहाँ से आया ये चीज, तो आओ देखो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास टालुइन है, टालुइन मतलब रिंग के ऊपर सी एच थ्री, इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के ब्लेंड में लेकर क्रोमेल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, मतलब सी आर ओ टू Cl, इसको पहले हम CCl4 के विलयन में लेंगे और इससे रिएक्शन कराना है। जब ये रिएक्शन करेगा तो एक अक्षेप प्राप्त होगा, वो अक्षेप क्या है वो देखना है। सॉरी यार दोस्तों, बाजू से रोड है तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो जाती है ना, बच्चे भी खेलते रहते हैं, गाड़ी वगैरह भी निकलते रहती है, बट कुछ दिन की बात है, हम ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, चलो माफी चाहते हैं इसके लिए। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में लेना है और इसकी क्रोमेल क्लोराइड से रिएक्शन कराना है, ये क्रोमेल क्लोराइड। तो जब ये इसकी इससे रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या वो देखना, आपको कमाल देखना है। आप यहाँ देखो इतने कितने वो देख रहे हैं, दो देख रहे हैं, कितने वो देख रहे हैं, दो, दो सी एल और एक सी आर, इसके हम कितने अणु लेंगे, दो अणु लेंगे, क्या लेंगे, दो अणु। आओ जरा देखो ये क्या है, रिंग, ये रिंग है और इसके ऊपर क्या लिखा था, सी एच थ्री, तो मैंने क्या किया, केवल यहाँ सी एच लिखा, दो एच मैंने बचा दिए, दो एच मैंने नहीं लिखे, केवल मैंने क्या लिखा बेटा, सी एच लिखा, दो एच नहीं लिखे, समझ आ रहा है, दो एच नहीं लिखे, केवल सी एच लिखा।
अब मैंने दो एच नहीं लिखे, मतलब इसकी दो वैलेंसी कम हो गई। अब दो वैलेंसी को बढ़ाने के लिए मैंने इसके कितने अणु लिए बेटा, दो अणु लिए। कितने अणु लिए बेटा, दो अणु लिए। तो क्या कर रहा हूँ, एक अणु को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ ओ से। ये दो ओ है ना, दो ओ में से एक ओ को हमने लिख दिया आगे, फिर लिख दिया ज्यों का त्यों सीआर। दो थे ना, दो में से एक ओ को हमने लिखा आगे, ये लिख, और ये लिख दिया सीआर। अब इधर एक ओ बचा, उधर हमने कितने एच कम किए थे, इधर दो एच कम किए थे। तो जो ओ है, जो एक एच जो है, जो बचा था इसमें दो एच में से एक एच हमने लिया और ये एक ओ बचा है, तो हमें ऐसा ओ एच लिख रहे थे। समझ आया, एक ओ को हमने लिखा आगे, फिर ये रहा सी आर, एक ओ और एक एच, दो एच बचाए थे ना वो लिखा इधर, और ये सी एल टू लिखा हमने ज्यों का त्यों। जो काम ऊपर किया है इसमें दो अणु लिए ना, जो काम ऊपर किया है एक अणु संग, वही काम दूसरे अणु संग करोगे। तो ये दो, ये इसको भी ऐसे लिखेंगे ओ सी आर ओ एच, दो एच लिए थे, एक एच था इतना, एक एच था ठीक है, और ये सी एल टू ठीक है। हमने क्या किया, ये इसकी इसके विलयन में लेकर इसके साथ रिएक्शन कराई, इसके दो अणु लिए, एक अणु का जो ओ था उसको आगे लिखा, ये सी आर लिखा, और ये जो ओ एक ओ था वो, और दो एच कम करे थे इसके, वो एच इसके साथ एक मिलाया इसके साथ। ये जो है एक मध्यवर्ती यौगिक बना, क्या बना, ये मध्यवर्ती यौगिक, या फिर यूं कहें कि ये अपक्षेप बन गया। क्या बन गया, अपक्षेप। और अब जो अपक्षेप बना है उसका जल अपघटन कराना है। क्या कराना है बेटा, जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब क्या होता है, जल से क्रिया होता है। जल अपघटन का मतलब क्या होता है, जल से क्रिया कराना होता है। तो जब हम इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो ध्यान रखना इस बात को, मैं क्या कर रहा हूँ अब वो देखना। देखो जल से क्रिया कराएंगे तो दो एच और एक ओ है, तो इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से, यहाँ से ओ दे देंगे, इसको ओ दे देंगे रिंग के ऊपर सी एच को, है ना। और कितने एच बचे, दो एच, तो एक एच हम देंगे इसको और एक एच दे देंगे हम इसको। तो जब हमने इसको ओ दे दिया तो ये तो आपका बन गया रिंग के ऊपर सी एच ओ, रिंग के ऊपर सी एच ओ बन गया, बन गया ना। अब एच हमने इसको दिया, अब ध्यान रखना, तो एच हमने इसको दिया, तो अब देखो ये एच इस ओ के साथ मिला, क्या बना ओ एच, ओ एच ये भी और ओ एच ए, तो ओ एच ओ एच को साथ लिख देंगे, तो फिर ये रहा हमारा सी आर, और ये ओ एच एक ये है और एक ये बन गया, तो ओ एच का होल ट्वाइस, और ये कितने सी एल है, दो सी आर ओ एच का होल ट्वाइस सी एल टू, और ये भी है ऐसे यहाँ बनेगा, तो इसके कितने अणु हमें मिल गए, दो। तो ये ऐसे बना व्यंजन, इसमें डायरेक्ट बना गया था, इसमें ये वास्तव में ऐसे बनता है, ये पूरी रिएक्शन है। तो आप एग्जाम में ये करोगे या ये करोगे आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों के ही नंबर मिलेंगे। जब ये करो तो ये मत करना, ये करो तो ये मत करना, थ्योरी दोनों में रहेगी ठीक है ना। तो भाई समझ में आएगी आपको, है ना, थोड़ी सी अच्छी रिएक्शन है, थोड़ी जोरदार मज़ेदार रिएक्शन है, आई होप आप समझ पाए होगे इस बात को, दिक्कत नहीं होगी ठीक है। तो यार कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर बताएं, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको इम्पोर्टेंट जितनी भी रिएक्शन इस यूनिट की हो सकती हैं मैंने वो सभी ले ली हैं, और इन रिएक्शन को ही आपको कंप्लीट करना है। मुझे लगता है कि आप इनको कंप्लीट कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। इनमें से अगर फिर भी कोई रिएक्शन रह गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में छाप कर जरूर बताना, हम आपको 100% ही तैयारी करा रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ठीक है। तो हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन था, एल्डिहाइड और कीटोन था, ये तो हुआ खत्म, ये हुआ खत्म, ये वन शॉट वीडियो रही इसकी, और पूरा हमने खत्म कर दिया। आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसकी फीडबैक जरूर देना। बचा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको अगली वीडियो में पूरा उड़ा देंगे, पूरा खत्म कर देंगे ठीक है। तो मजा आया वीडियो में, अच्छा लगा, चैनल को लाइक कर दो यार, है ना, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो।